एंड मोस्ट इंपैक्टफुल लाइव एल एक्टिंग प्लेटफॉर्म इज फिजिक्स वाला तो मेरे प्यारे बच्चों दिल के सचो आप लोगों का दिल से स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और इंडिया के सबसे इंपैक्टफुल लाइव एल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला ठीक है तो बच्चा लोग यहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम्स चैप्टर को ठीक है तो बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा डराता है है ना लेकिन अपन को नहीं डराता अपन को तो बड़ा मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ाने में एकदम फुल मजे हैं इस चैप्टर के अंदर एंड आप लोगों को भी मजा में फील करवाना चाहता हूं है ना तो आ, चालू करेंगे इस चैप्टर को बेहतरीन से सुंदर से हमारे इस चैप्टर को है ना गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अच्छा एक बार बताना यार मेरी ये सुंदर चीजें अकल दिखाई दे रही है क्या और सुरीली सेवा सुनाई दे रही तो एक बार चैट बॉक्स में आएगी बौछार मारो ना जल्दी से आये लिखते जाओ फटाफट फटाफट अगर भैया की दांत ज्यादा निकाल दिए लगता है अपन ने इसमें कोई बात नहीं कोलगेट से साफ करते हैं इसलिए दिखा देते हैं आए की मेरे यार द चैट बॉक्स आए 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 जल्दी 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 राइट आए द चैट बॉक्स राइट आए द चैट बॉक्स आय इंटू द चैट बॉक्स गाइज बहुत बहुत बढ़िया चलिए बहुत सही 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 दोस्तों जल्दी से चालू करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंबस एंड इट्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट एनर्जी के बेसिस पे पढ़ेंगे फिर टाइप्स ऑफ कंबेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इग्निशन सोर्स एंड प्रोडक्ट्स बहुत मजा आएगा फिर बात करेंगे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन टू फायर एंड फायर टट्रा हिड्रॉन फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर एंड वेस्ट फ्लेम एंड इट स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ फ्लेम ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ अमाउंट लाइट प्रोड्यूस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एनसीआर से फ्लो डिफरेंट रहेगा एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा क्या भैया मजा आएगा अरे बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चों चालू करें बहुत बढ़िया हूं मैं प्यारे प्यारे बच्चों आई होप आप भी बहुत अच्छे हो बहुत स्वस्थ हो मस्ती मजाक कर रहे हो खेल कूद रहे होंगे और लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो है ना बाकी एजुकेशन सिस्टम तो आपको पता ही है ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है है ना भैया सुनील भैया थोड़ा ज्यादा सच बोल देते हैं तो आपको पता ही है <laughs> कोई बात नहीं ठीक है पढ़ाई पे फोकस करेंगे अभी, तो भैया चालू करेंगे कंबलशन एंड इट्स टाइप्स के ऊपर ठीक है ना नाउ ये जो क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइट एनर्जी किताब के पहले पन्ने पे लिखा है लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आगे तक जीवन में एक जीवन भर कंफ्यूजन चलता है बर्निंग ऑफ इंसेंस्टिक बोलू या कंबेशन ऑफ इंसनेस्टिक बोलू या इसकी जगह कोई और शब्द बोलू और हर जगह गलत गलत यूज कर लेते हैं बर्निंग ऑफ इंसेंस्टिक भी बोल रहे बर्निंग ऑफ वुड भी बोल रहे नहीं प्यारे बाबू नहीं ऐसे नहीं चलेगा जीवन ठीक है तो इस बेसिस पे आज आपको मैं पढ़ाऊंगा बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे सबसे पहले मेरे दोस्तों सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों कंबशन होता क्या है सुनील भैया ये कंबशन ये है क्या क्या है ये कंबशन एक्चुअली में क्या है ये कंबशन देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कंबशन क्या है एक केमिकल रिएक्शन है अब समझिए कि एक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ये क्या होता है प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज होता है मतलब कि इसमें कोई नए पदार्थ बन रहे होंगे केमिकल चेंज आपने पढ़ा है जिसके अंदर सब्सटेंस की ओरिजिनल कॉम्पोजिशन अल्टर हो जाती है चेंज हो जाती है क्योंकि वह कुछ नया बना लेता है इसको केमिकल चेंज कहते हैं और इसके प्रोसेस को मेरे प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में तो कंबर्शन भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जिसमें होता क्या है कि एक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी ऐसा सब्सटेंस बेटा जो आपके कंबस्टन प्रोसेस को शो करने वाला है ठीक है तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन महाराज के साथ इंटरक्ट करता है और क्या बनाता है हीट और साथ में लाइट एनर्जी अलोंग विद डिफरेंट प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है ठीक है जैसे आपने मान लीजिए एक पेपर उठाया और आपने इसको हल्का सा गर्म किया तो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है ये इसके साथ इंट्रैक्ट करके इसके अंदर आग लग जाएगी ठीक है तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बनाएगा साथ में निकलेगी हीट साथ में निकलेगी लाइट एनर्जी बहुत बेसिक सी बहुत ही सरल सी बात ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ जाओ तो यहां पर अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो मैं इसको किस तरीके से समराइज करूंगा और कैसे मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा आप इसको समझना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में पहले एक बार चर्चा करते हैं तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या हो सकता है कंबस्टिबल सब्सटेंस हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं वुड की फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं पेपर की तो ये सारी चीजें क्या है कंबस्टिबल जो कंबस को शो करेंगी अब बेटा जैसे ही इनको हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है मैंने आपको पढ़ाया था 20.95 परसेंट ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे या प्रोडक्ट्स बनाएंगे है ना साथ में निकालेंगे हीट एनर्जी और साथ में निकालेंगे लाइट एनर्जी इस फिनोमिना को हम लोग या इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं कंबशन क्या कहते हैं बेटा इसे कहते हैं कंबशन समझ में आ रही है बात बेसिक चर्चा से चालू करा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है अब डिफिकल्ट चीज पे तोड़ूंगा जब मैं यहां पे लाइट एनर्जी के साथ गेम खेलूंगा ये लाइट एनर्जी किस प्रकार की है सुनील भैया यहां पे आप ये बता दीजिए कब आएगा मजा ठीक है तो प्यारे बाबू लोग यहां पे चलते हैं लाइट एनर्जी के टाइप पे डिस्कशन चालू करते हैं हम लोग ठीक है एक मिनट <coughs> नहीं 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 इतना आगे कहां चलेगा भाई तुम इतना आगे नहीं जाना था चलो यहां पे आ जाते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं लाइट एनर्जी के बेसिस पे यहां पे अगर हम बात करते हैं लाइट एनर्जी के बेसिस पे तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों लाइट एनर्जी आपकी दो प्रकार की हो सकती है या तो आपकी ऐसे फ्लेम के फॉर्मेट में लाइट एनर्जी हो सकती है या बेटा ग्लो के फॉर्मेट में आप मोमबत्ती लीजिए आप अगरबत्ती लीजिए एक तरफ मोमबत्ती एक तरफ अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ इस प्रकार जलती है लपटे निकालती है लाइट एनर्जी फ्लेम और अगरबत्ती ऐसे ग्लो निकालती है निकालती नहीं निकालती, है? निकालती, है निकालती है, ऐसे ग्लो आता है नॉर्मल किताब के पहले पन्ने पे भी लिखा हुआ है लाइट एनर्जी कट फॉर्मेट। तो यहां पे या तो लाइट एनर्जी आपकी ऐसे फ्लेम के फॉर्मेट में हो सकती है या फिर आपकी लाइट एनर्जी ऐसे ग्लो के फॉर्मेट में अगरबत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती जला के देखना अब बच्चे यहां कहते बर्निंग ऑफ इंसेंटिक ओके गलत क्यों अभी बताएंगे इस फिनोमिना को आप बर्निंग कह सकते हैं किसको इसको बर्निंग कह सकते हैं क्योंकि यहां पे जो लाइट एनर्जी है फ्लेम्स के फॉर्मेट में है और फ्लेम्स के फॉर्मेट में क्यों आती है इसका रीजन भी मैं आपको यहां पे देता हूं फ्लेम्स के फॉर्मेट में क्यों आती है इसका रीजन भी मैं यहां पे आपको देता हूं ये रीजन दे रखा है सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स अब समझते हैं सबसे पहले कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करता है तो डिफरेंट चीजें बनाता है साथ में हीट और लाइट एनर्जी निकालता है यह हमें पता है जैसे कि मोमबत्ती जलेगी तो ये कुछ इस प्रकार से फ्लेम बनाएगी और रोशनी होगी पीले कलर की और ये कुछ ऐसा लाल कलर का कौन से कलर का ऐसा लाल कलर का ग्लो बनता है, है ना अब ये जब फ्लेम निकलती है तो इसको तो कहते हैं बर्निंग क्या कहते हैं बर्निंग कंबेशन का एक टाइप है बर्निंग अब यह क्यों होता है क्योंकि क्यों सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वह ऐसी लपटे बनाता है क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर ये वेपर्स क्या होती हैं दिस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ गैस गैस के फॉर्मेट को आप लोग क्या कहते हैं वेपर कहते हैं तो आपके दिमाग में आएगा सुनील भैया ऐसे तो लकड़ी को जलाते तब भी लपटे निकलती पेपर जलाते लपटे निकलती तो क्या वो वेपर में कन्वर्ट होता है क्या हंड्रेड परसेंट आपकी लकड़ी जो ऐसी लपटे निकालती है तो वो सॉलिड पहले वेपर में कन्वर्ट होता है फिर वो ऐसी लपटे निकालती जैसे आपकी वैक्स है वैक्स सॉलिड स्टेट में होती है जब आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड और लिक्विड के बाद वेपर बनती है तब जाके आपको ऐसी स्टेट नजर आती है फ्लेम नजर आती है यह आपको समझना पड़ेगा और यहां पे जो ग्लो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं इसको बर्निंग नहीं बोलोगे इसको बोलोगे स्मॉलिंग तुम लोग जो बोलते हो ना बर्निंग ऑफ इंसेंसिक बर्निंग अरे नहीं 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 इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों स्मोल्ड्रिंग ऑफ इंसेंटिक यानी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लेमलेस फॉर्म ऑफ कंबस का वो प्रकार है जिसमें कोई लपटे नहीं निकलती तो लाइट एनर्जी के बेसिस पे अगर लाइट एनर्जी फ्लेम के फॉर्मेट में है तो कंबसन के इस प्रकार को बर्निंग कहेंगे अगर लाइट एनर्जी ऐसे ग्लो के फॉर्मेट में है तो कंबसन के इस प्रकार को स्मौल्ड्रिंग कहेंगे क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं क्या दो बातें क्लियर हो रही है तो पहले आपको कंबशन समझना था और कंबशन का जो टाइप है लाइट एनर्जी के बेसिस पे ये दो प्रकार का है बर्निंग स्मॉलिंग क्या, क्या मैं समझा पा रहा हूं 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 प्यारे बच्चों को क्या मैं बेसिक सी बात समझा पा रहा हूं सभी को समझा पा रहा हूं मैं क्या ये बेसिक बात समझा पा रहा हूं आई होप मैं आपको एक छोटी सरल आसान सी बात यहां पर समझा पा रहा हूं कि अगर मोमबत्ती में आप बात करेंगे तो आप कहेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल यहां पे आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे बर्निंग ऑफ अब बर्निंग नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे ऑफ और इन दोनों तरफ पे आप कह सकते हैं कि ऑफ ऑफ कैंडल बिकॉज वो कंबसन का प्रकार है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है? है समझ रहे हैं देखिए ग्लो का मतलब हो गया क्या सिर्फ जैसे जब आपने अगरबत्ती आज जाके अगरबत्ती को जलाओ अभी बैठ के अगरबत्ती क्या करती है ऐसे ग्लो दिखाती है नॉर्मल अगरबत्ती अरबत्तील ग्लो आता है लेकिन यहां पे लाइट एनर्जी ऐसे फ्लेम के प्रकार में है जाके देखना समझ में आ जाएगा ठीक है भैया बहुत बढ़िया तो अब यहां पे आपसे सवाल अब देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाए अब देखते हैं कितने बच्चे इस चीज को समझ पाए इज इट करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ फूड और कंबेशन ऑफ फूड क्या मैं ये कहूं कि बर्निंग ऑफ फूड या कंबेशन ऑफ फूड तो क्या अब यह सही होगा प्यारे बच्चों क्या यह बात सही होगी क्या यह बात सही होगी क्या ये बात सही होगी बेटा अक्षत आनंद मैं इतनी देर से डिफरेंस बिटवीन ग्लो एंड फ्लेम ही समझा रहा था फ्लेम मतलब लपटे निकलना जैसे यहां पे लपटे निकल रही है ग्लो मतलब सिर्फ चमकना सिर्फ चमक चमक लाइट एनर्जी चमक के फॉर्मेट में भाई ये क्या है ये आपका बेसिकली फ्लेम है यस और नो हा देखिए लाइट एनर्जी किस प्रकार में है अगर आप लाइट एनर्जी को यहां पे एनालाइज करेंगे लाइट लाइट एनर्जी ये किस प्रकार में है लाइट एनर्जी यहां पे लाइट एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम्स लपटे तो इसको बोलेंगे बर्निंग और बर्निंग का बर्निंग किसका टाइप है बर्निंग किसका टाइप है बर्निंग इज बेसिकली टाइप ऑफ कंबशन ठीक है ना कंबशन का एक प्रकार है बर्निंग ठीक है लोग सिनोनिमसली यूज करते हैं जो बर्निंग वो कंबशन जो कंबशन वो बर्निंग ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो ये सही है हाँ जी भैया ये सही है मजा आ रहा है हमारे मिसकनसेप्शन क्लियर हो रहे हैं किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको गलत लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको सही पढ़ना है चलिए इज इट करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ इंसेंसिटिव अब यहां पे लाइट एनर्जी किस फॉर्मेट में बेटा ग्लो के फॉर्मेट में ग्लो समझ रहे हैं अरे सिर्फ चमकना ये देखिए सिर्फ ग्लो सिर्फ चमकेगी कोई लपटे नहीं निकलेगी ना भैया लाइट एनर्जी सिर्फ ग्लो के फॉर्मेट में ग्लो मतलब चमकना बस क्या यह सही है क्या ये सही है बाबूलोग बाबू लोग बाबू लोग बाबू लोग? लोग प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों क्या ये सही है प्यारे बच्चों वोट करेंगे यस और नो 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 यस और यस नो यस और नो यस और नो 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 ये बोलेंगे रिंग ऑफ इंसेंटिक किताबों में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा पहले ही बता दे रहा हूं किताब में आप जाके ढूंढेंगे तो ये देखने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन एग्जैक्ट ज्ञान तो यही है और इस माउल्डरिंग क्या होता है टाइप ऑफ कंबेशन होता है गूगल पे जाके चेक कर लेना आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं स्मोल्ड्रिंग सर्च करने पे तो भगवान मिल जाते हैं ये तो बहुत ही छोटी सी बात है ठीक है बेटा अरे समझ में आया क्या मजा फिर आया क्या बोलो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया क्या माजा फिर आया क्या बोलो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए आपको और टाइप्स के कंबशन पढ़ाते हैं किस बेसिस पे पढ़ाएंगे सुनील भैया आपके इग्निशन सोर्स एंड जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इस बेसिस पे पढ़ाएंगे और टाइप ऑफ कंबशन पहला जो टाइप ऑफ कंबस पढ़ाया बर्निंग और स्मोल्डरिंग वो था लाइट एनर्जी के प्रकार के बेसिस पे अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बाबू लोग आपका टाइप्स ऑफ बाबू लोग दैट इज ऑन द टाइप ऑफ इग्निशन सोर्स एंड द प्रोडक्ट्स इग्निशन सोर्स क्या होता है आग लगाने का जरिया समझ रहे हो इग्निशन सोर्स क्या होता है सोर्स दैट स्टार्ट्स कंबशन आग लगाने का जरिया अब आप ये कहोगे सर मेरा दोस्त है वो लगाता है आग या सर मेरी एक दोस्तनी है वो लगाती है आग क्या वो इग्निशन सोर्स है बिल्कुल समझ रहे हो लेकिन साइंस की भाषा में नहीं है वैसे है <laughs> समझ रहे हो तो इग्निशन सोर्स यानी आग लगाने का जरिया यानी कंबशन को स्टार्ट करने का जरिया समझे दोस्तों बेटा कोल में आपका स्मौल्ड्रिंग ही होता है वहां पे लोग बर्निंग ऑफ कोल लिखते हैं लेकिन वो गलत है इट इज एक्चुअली स्मौल्ड्रिंग ऑफ कोल एक जगह लोग आपसे तर्क करेंगे कि कोल को जब जलाते हैं तो स्टार्टिंग में फ्लेम निकलती है हां निकलती है क्योंकि उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है जो वेपर के फॉर्मेट में हो जाती है कन्वर्ट फ्लेम आती है लेकिन बाद में तो वो चमकता ही है तो वो स्मोल्ड्रिंग ऑफ कोल है स्मोल्ड्रिंग ऑफ चारकोल कोल है आपकी अगरबत्ती में क्या होता है चारकोल ही तो डला हुआ है समझ रहे हो आ जाओ बेटा अब देखो इग्निशन सोर्स और प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कंबेशन के टाइप ओ भैया क्या होता है मजा आ जाएगा ओके चालू करेंगे तो देखो दोस्तों क्या होगा इसका टाइप ध्यान से देखना पहला होगा रैपिड दूसरा होगा स्पॉन्टेनियस और तीसरा होगा एक्सप्लोजिव तीनों एकदम भौका लेवल पे पड़ेंगे आ जाओ दोस्तों जल्दी से पहला रैपिड देखो रैपिड शब्द का मतलब क्या होता है जैसे अभी आपने सुना होगा रैपिड मेट्रो रैपिड मतलब बहुत तेज वेरी फास्ट क्या होता है इसका मतलब वेरी फास्ट यानी कोई चीज अगर बहुत तेज है वेरी फास्ट वेरी इंस्टेंटली तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्या इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं रैपिड क्या बोलते हैं बेटा रैपिड बहुत तेज तेज़ स्पीड में हो रहा है रैपिड कंबर्शन है ठीक है अच्छा सुनील भैया इग्निशन सोर्स की जरूरत है क्या इसके लिए यानी आग लगाने की जरूरत का है क्या कोई सोर्स चाहिए क्या आग लगाने के लिए हाँ जी हाजी, हाजी भैया इसके लिए चाहिए यस इग्निशन सोर्स की जरूरत है एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं अब जैसे आपके घर पे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आती है सिलेंडर में भर के घर वाले लेके आते हैं ना और फिर उसको जलाते हैं अब वो कैसे जलती है उस पर अपन को करना पड़ता है माचिस से तिली लगानी पड़ती है लाइट लगाना पड़ता है लेकिन वो बहुत तेज जलती है जैसे आई फक करके आग लग गई आई फक करके आग लग गई लगती कि नहीं लगती है लगती कि नहीं लगती है हम एक मिनट लाइटर का एक अरेंजमेंट करेंगे आपको यहाँ पे लाइव आग लगा के भी दिखाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास है रैपिड कंबस्टन के लिए सामान यहां पे जैसे हम इसको जला सकते हैं ठीक है इसको हम जलाएंगे तो रैपिड कंबेशन हो जाएगा है ना मैं टीम को बोलता हूं टीम अरेंज करेगी अभी और फिर हम इसको आग लगा के आपको दिखाएंगे ठीक है चलो चलिए तो यहां पे फटाफट से पहले देख लेते हैं यह है क्या तो कंबस्टिबल सबस्ट इसके अंदर होता क्या है कंबस्टिबल सबस्ट रैपिडली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट हीट एंड लाइट एनर्जी वेन इग्नाइटेड विद एक्सटर्नल सोर्स कहने का मतलब है कि रैपिड कंबस्टन में कंबस्टिबल सब्सटेंस बहुत स्पीड से बहुत तेज ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करता है और प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बनाता है साथ में हीट और लाइट एनर्जी का निर्माण करता है जैसे एक एग्जांपल आपकी आंखों के समक्ष यहां पर यह है जिसे हम कहते हैं बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अब बर्निंग क्यों लिखा है मैंने आपको समझदार बच्चे हैं आप ये लपटे देखने के लिए मिल रही है इसीलिए लिखा है बर्निंग इस प्रकार के कंबशन को बर्निंग कहते इस प्रकार के कंबशन को रैपिड कंबशन कहते हैं जहां पे बहुत स्पीड से ये प्रोसेस होता है ठीक है स्पॉन्टेनियस ये शब्द का मतलब आपको पता है क्या होता है स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है हैपेंस ऑन इट्स ओन अपने आप होने वाला हैपेंस ऑन इट्स ओन अपने आप होने वाला अब सुनील भैया क्या यहां पे एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स की जरूरत है समझ रहे हैं इग्निशन सोर्स बाहर से आग लगाने के लिए जैसे एक्सटर्नल उसमें भी आप लिख सकते है, external ignition source? हैं एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स ये देखिए यहां पे भी आप लिख सकते है, external ignition source? हैं एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स यानी बाहर से आग लगाने के लिए किसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या तो यहां पे मेरा जो जवाब होगा वो बेसिकली क्या होगा वो हो जाएगा यहां पे नो no. क्या मतलब है इसका समझिए अब इसके अंदर चीज अपने आप आग लग रही है अपने आप जल रहे हैं जैसे तुम्हारे रिश्तेदार अपने आप ही जल रहे हैं उनका अपने जीवन से कोई मतलब नहीं अपन उनको जानते भी नहीं अपन उनसे बात भी नहीं करते लेकिन बस वो अपना चेहरा देख के जल रहे हैं अपने आप समझ रहे हो इसको कहते हैं जो अपने आप होता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस शोज कंबस्टन ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन बिना कोई सोर्स के अपने आप बेटे बेटे इनको आग लग जाती है अपन को जाके आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अपन को जैसे माचिस की तिल्ली से आग लगाना पड़ता है पेपर को माचिस की तिल्ली को जला के अपन को आग लगानी पड़ती है गैस को इधर अपन को कुछ करने का जरूरत नहीं है ये अपने आप आग पकड़ लेता है और अपने आप जलने लगता है दोस्तों जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेस्ट फायर का तो यहां पर नहीं होगा और क्यों नहीं होगा ये रीजन आप मुझे चैटबॉक्स में बताएंगे मैं आपको स्पॉन्टेनियस फायर का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं व्हाइट फॉस्फोरस ये एक नॉन मेटल है आप रूम टेम्परेचर पे रख दो बढ़िया रूम टेम्परेचर में खुला रखो आग पकड़ लेगा आप सोडियम को रख दो अपने आप आग पकड़ लेगा आप पोटेशियम को रख दो ये आग पकड़ लेगा मेटल्स नॉन मेटल्स में पड़ा होगा आपने तो कैच फायर कैचेस फायर एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कितना होता है रूम टेम्परेचर होता है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस कैच फायर एट रूम टेम्परेचर वेन कैप्टन ओपन आप इनको खुले में रख दो बढ़िया से रख दो पकड़ लेंगे आग पकड़ लेंगे कोई अपन ने माचिस की तिल्ली नहीं लगाई कोई अपन ने चीजों को जलाया नहीं अपने आप बेटे, -बेटे तो रिश्तेदार है तुम्हारे अपने आप जल रहे हैं कोई मतलब नहीं इनको संसार से अपने आप जल जा रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास व्हाइट फॉस्फरस एक और एग्जाम्पल सोडियम एक और एग्जाम्पल पोटेशियम अपने आप जल रहे हैं ये अपने आप आग लग रही इन में। जीवन इनका ऐसे सेट हो रहा है चलो एक्सप्लोजिव हैप्पी दिवाली पे करते हैं ओ भैया हैप्पी दिवाली तेरी मुझ काले ऐसे बोलते हो ना तुम लोग तो एक्सप्लोजिव कंबशन इसमें धमाका होता है जोर से क्या होता है धमाका ऐसे हैप्पी दिवाली मनती है तो कंबस्टिबल सब्सटेंस रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हीट एंड लाइट एनर्जी एंड यह इंपॉर्टेंट है साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है वेन इग्नाइटेड विद एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स तो रैपिड कंबेशन और एक्सप्लोजिव कंबस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है उसमें भी बहुत रैपिडली चीजों में आग लगती है इसमें भी रैपिडली आग लगती है लेकिन इसमें साथ में साउंड एनर्जी का निर्माण होता है किसका साउंड एनर्जी का निर्माण होता है समझ में आ रही है बात एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे टेंशन मत लेना तो इसमें किसका निर्माण होता है साउंड एनर्जी का निर्माण होता है जैसे, जैसे, बर्निंग ऑफ़ ओ भैया दिवाली मनाएंगे या, अपन ने फटाके बनाना भी सिखाए थे बच्चों बढ़िया बनाना सिखाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो वो ऑर्गेनिक ताकि एटमोसफेयर में पोल्यूश नहीं होना चाहिए है ना का अपन को ध्यान रखना है एनवायरमेंट का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों तो यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि अगर कोई कंबस्टिबल सबसे रैपिडली रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट बनाएगा साथ में हीट लाइट और साउंड एनर्जी का निर्माण करेगा तो इसको एक्सप्लोजिव कंबस्टन या एक्सप्लोजन कहेंगे क्या इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन चाहिए रहेगा एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या क्या इसमें एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या प्यारे बच्चों तो एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या यस आपको इसमें एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या इतनी बेसिक सी बातें सारी समझ में आ रही है ठीक है क्या इतनी बेसिक सी बातें समझ में आ रही है क्या इतनी बेसिक सी बातें समझ में आ रही है क्या इतनी बेसिक सी बातें समझ में आ रही है क्या क्या इतनी बेसिक सी बातें समझ में आ रही है ठीक है समझ में आ रही है चलो अच्छा अब एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या सोडियम में एक्सप्लोजिव कंबस्टन भी होता है बिल्कुल होता है सोडियम में एक्सप्लोजिव कंबस्टन आप देखिए कैसे होता है सोडियम में एक्सप्लोजिव कंबस्टन क्योंकि जब आप सोडियम को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो स्पॉन्टीनियस कंबेशन शो करता है साथ में एक्सप्लोजिव तब करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस में आपका एक हाइड्रोजन गैस में आग लगती है है ना समझ रहे हैं और पानी में डालेंगे तो और खतरनाक तरीके का एक्सप्लोजिव कंबस्टन होगा है ना पर ज्यादा एविडेंट वो कब दिखेगा जब आप पानी में डालेंगे धमाका ठीक है आप ओपन में भी रखेंगे तो बेसिकली आग लगेगी ठीक है आग लगेगी है ना धमाका जब होगा साउंड एनर्जी जब आएगी एक्सप्लोजन जब होगा छोटा सा तब बेसिकली उसको एक्सप्लोजिव कंबे कहते हैं ठीक है चलो अब एक बार चैट बॉक्स में आई की बौछार मारना फटाफट से एक बार आए भैया लिख देना चैट बॉक्स के अंदर -b 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 अरे अपने बच्चे उस है पीडब्ल्यू के सारे बच्चे ओ है फटाफट राइट आए द चैट बॉक्स आए भैया द चैट बॉक्स जल्दी से आए भैया एंटू द चैट बॉक्स आए भैया एंटू द चैट बॉक्स आए भैया एंटू द चैट बॉक्स बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आए लगाएंगे आग लगाएंगे आग लगाएंगे जल्दी, जल्दी 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 अच्छा बॉम्ब के अंदर भी आपका एक्सप्लोजिव कम होता है बिल्कुल बहुत सही एक्सप्लोजिव कम होता है उसमें भी धमाका होता है ठीक है बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं अरे क्या समझ रहे हो ये बहुत तेज बच्ची आपने क्या मजाक चिल्ली है तुम्हारी मजाक चिल्ली है बहुत तेज बच्ची आपने हाँ ये हल्के में ले रहे लो हमारे बच्चों को आ जाओ इंट्रोडक्शन टू फायर एंड फायर टेट्राहीड्रॉन तुम लोग फायर ट्राइंगल पढ़ते हो टेट्राहीड्रॉन पढ़ा देंगे ट्राइंगल का एक लेवल ऊपर आ जाओ ये आग 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 तो सिर्फ सीने में लगी है।, है ना क्या होती है आग एक छोटा दिमाग वाला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे देखो फायर जो है आग जो है ध्यान से सुनना आग ऑक्सीजन कंज्यूम करती है बहुत बढ़िया ऑक्सीजन कंज्यूम करती है आग चाहे तो रिप्रोड्यूस भी कर सकती है है ना आग ग्रो भी करती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और आग आखिरी में डाय भी करती है ऑक्सीजन कंज्यूम करती है आग तभी तो जलेगी रिप्रोड्यूस करती है मतलब एक से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे चौथा ग्रो भी करती है डाई भी करती है तो इस फायर अ लिविंग थिंग क्या लगता है आपको क्या आपकी फायर जो है क्या वो एक लिविंग थिंग है इस फायर अ लिविंग थिंग मेरा सवाल बड़ा ही सरल है क्या आपको लगता है फायर एक लिविंग थिंग है जैसे हम लोग लिविंग बींग हैं हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं ग्रो करते हैं और एक समय पे भगवान ने वो साइकिल ऐसी बनाई कि हमें मरना भी पड़ेगा हमें ये देह को त्यागना पड़ेगा तो मेरा सवाल बड़ा ही सरल है क्या आपको लगता है फायर लिविंग थिंग है क्या आपको लगता है फायर एक लिविंग थिंग है नो नो आई नो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो इस फायर अ लिविंग थिंग तो इसका सरल सा जवाब यह है ये देखिए इसका सरल सा जवाब यह है कि नो फायर इज नॉट अ लिविंग थिंग नो क्यों फायर इज नॉट अ लिविंग थिंग कोई भी लिविंग चीज होगी लिविंग थिंग्स में क्या होता है लिविंग थिंग्स हैव लिविंग थिंग्स हैव हैव लिविंग सेल्स यानी उनके अंदर सेल्स होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज प्रेजेंट होंगे इनके अंदर सेल्स नहीं होते हैं तो फायर क्या होती है फायर इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन फायर इज अ केमिकल रिएक्शन सिंपल सी सरल सी बात आपको ये याद रखनी है कि फायर क्या है एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है और कुछ भी नहीं ठीक है तो फायर आपकी रिप्रोड्यूस कर रही है ग्रो कर रही है ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है डाय कर रही है तो क्या फायर लिविंग थिंग है बिल्कुल भी नहीं सरल भावार सरल भाषा में नहीं क्योंकि कोई भी लिविंग चीज होगी मेरे प्यारे बच्चों तो उसके अंदर लिविंग सेल्स होंगे ही होंगे फायर इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन तो आइए फायर टेट्राइड्रॉन से इसकी शुरुआत करते हैं ध्यान से देखते जाइएगा चीजों को आपके पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए बच्चे कहेंगे बुद्धि होनी चाहिए हाँ बिल्कुल <laughs> सबसे पहली चीज यहां पर होनी चाहिए आपके पास फ्यूल दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए ऑक्सीजन तीसरी चीज आपके पास होनी चाहिए हीट एनर्जी और ये चौथी चीज होगी चेन रिएक्शन बहुत बढ़िया तो हमारे पास आप, आपका सामान आ चुका है थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा दिखा देते हैं देखिए अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा तो आपको रैपिड कंबेशन यहां पर थोड़ा हम दिखाते हैं लाइव में रैपिड कंबेशन क्या होता है रैपिड कंबेशन क्या होता है एक बार थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जब तक आप इसको समझिएगा है ना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे भैया हमको इंसानों को थोड़ी मारना है यार हम इंसानों से बहुत प्यार करते हैं अब आ जाओ ये देखिए एक तरीके से ये भी क्या था ये रैपिड कंबेशन हुआ देखिए एक रैपिड कंबेशन आपके सामने हुआ देखिए दो रैपिड कंबेशन आपको दिखाता हूं यहां पर ध्यान से देखना मैच स्टिक जली ये रैपिड कंबेशन है देखिए कैसे ये देखिए ये आपकी ये देखिए ये जलेगी रैपिड कंबेशन है ये रैपिड कंबेशन एक रैपिड कंबेशन ये हुआ और दूसरा देखिएगा दूसरा रैपिड कंबेशन ये दूसरा दिख रहा है ये रैपिड कंबेशन है समझ में आ रही बात अरे समझ में आ रही है बात रैपिड कंबेशन ठीक है रैपिड कंबेशन अच्छा बहुत बढ़िया ये चीज हमें समझ में आ गई ये रैपिड कंबसन समझ में आ गया है ना फॉरेस्ट फायर स्पॉन्टेनियस क्यों है क्यों नहीं है इसका रीजन मैं आपसे पूछता हूं आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखना मैं बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूं पर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में फॉरेस्ट फायर के एक मैनुअल रीजन ये हो सकता है कि जब आप फायर लगाते हैं आप उसको बुझाना भूल जाते हैं सूखी घास से आग लग जाएगी एक ये रीजन है दूसरा रीजन आप सोचिएगा मैं आपको चाहता हूं कि आप सोचें ठीक है सोचोगे तभी मजा आएगा ताकि तुम्हारे मिसकंसेप्शन क्लियर हो पाए उसको सोडियम वाले केस से कंपेयर कराना मैंने एक रीजन दे दिया तुमको वन फायर का ठीक है अब देखो फ्यूल ऑक्सीजन और हीट एनर्जी इनका क्या इंपॉर्टेंस है क्या इनकी समझ है आइए इनको डिकोड करते हैं देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहां पे फ्यूल के बारे में फ्यूल की चर्चा करते ये फ्यूल क्या होता है फ्यूल क्या होता है बेटा ये एक आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है क्या होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस? जो रिएक्ट या इंटरैक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट साथ में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी का निर्माण करता है कंबशन प्रोसेस शो कर रहा है फ्यूल क्या हो सकता है जैसे आपका कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस है ना अब पेट्रोलियम से मिलने वाली सारी चीजें जैसे गैसोलीन हो हो गया हो गया डीजल सब ये जो भी चीज आपको पेट्रोलियम से मिल रही है जैसे पेट्रोल मिल रहा है डीजल मिल रहा है कैरोसिन मिल रहा है सब फ्यूल है किसी ना किसी काम में हम इनको यूज करते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्यूल हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है हमारा खाना जिससे हम कुछ काम कर पाते हैं हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है जब हम खाना खाते हैं हम कुछ काम करते हैं इसी प्रकार हम इन फ्यूल्स को यूज करके हीट एनर्जी का निर्माण करते हैं और इस हीट एनर्जी से हम चीजों को चलाते हैं जैसे हमारी कार कैसे चलती है कार में हमने पेट्रोल डाला पेट्रोल जलता है तो उसका जो पेट्रोल जलेगा हीट एनर्जी से पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा गाड़ी आगे चलेगी इस प्रकार से कुछ काम करवाते हैं है ना अब जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया जो बच्चे पूछ रहे हैं कंबशन क्या है प्यारे बच्चों बहुत देर हो चुकी है लेक्चर स्टार्ट हो चुका है वहां से देख सकते हैं उसको अभी हम इसको समझते हैं फ्यूल क्या है ठीक है तो फ्यूल एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का okay. तो एग्जाम्पल है जैसे फ्यूल आपका क्या हो सकता है फ्यूल आपका हो सकता है मान लीजिए पेट्रोल फ्यूल आपका हो सकता है मान लीजिए डीजल फ्यूल आपका हो सकता है मान लीजिए कोल फ्यूल आपका हो सकता है मान लीजिए नेचुरल गैस ये सारे के सारे क्या है ये फ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम जलाने के बाद कुछ कार्य करवा सके जिससे हम क्या करवा सके जिसको हम यूज कर सके यूज टू डू सम वर्क इससे हम क्या करा सके कुछ काम करवा सके इसके लिए हम इनको बोलते हैं फ्यूल बहुत बढ़िया अब दूसरा ध्यान से सुनिएगा नेसेसरी कंडीशन क्या है बहुत ध्यान से एम्फेसिस देके सुनिएगा तो आपके कंबशन को स्टार्ट करने के लिए या फायर टेट्राइडन की हम बात कर रहे हैं आग लगाने के लिए सबसे पहले वो चीजें जो जलेगी पहले जलेगा क्या तो ये जलेगा ये आपका जलेगा ये जलेगा समझ रहे हैं? ये आपका वो है जो चीज आपकी एक्चुअल में जलने वाली है ये फ्यूल है दूसरा क्या है टू स्टार्ट कंबशन एक्सेप्ट स्पॉन्टेनियस कंबशन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन इज रिक्वायर्ड ऐसा क्यों होता है सुनील भैया क्या है स्पॉन्टेनियस कंबशन में हमें इग्निशन की जरूरत नहीं है बट दूसरों में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन की जरूरत पड़ती है ऐसा क्यों और यह क्या है तो दिस एक्सटर्नल सोर्स इंक्रीजेज द टेम्परेचर अबव द इग्निशन टेम्परेचर अब इसका मतलब क्या है इंक्रीजेज द टेम्परेचर टू और अबव इग्निशन टेम्परेचर अब इसको समझना पहले मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसको ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला तो जो आपका एक्सटर्नल सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स जो है आपका मान लीजिए अभी आपने माचिस की तीली यूज करी और पेपर को आपने जलाया ठीक है आपके सामने करके भी दिखाऊंगा तो माचिस की तीली को जब आपने यूज किया पेपर को जलाने के लिए तो यह क्या करती है टेम्परेचर को या तो इक्वल टू करती है या उसके अब करती है किसके इग्निशन टेम्परेचर के तो अब आप कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर क्या है तो मैं आपको पहले इग्निशन टेम्परेचर समझाता हूं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा कोई दिक्कत नहीं है बहुत धीरे धीरे बताऊंगा ध्यान से देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या है मिनिमम टेम्परेचर अबव विच एट और अब विच अब्सटांस कैचेस फायर यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर या उसके ऊपर उस मिनिमम टेम्परेचर पे जिसको अटेन करने पे किसी सब्सटेंस में आग लग जाए या उसके ऊपर अगर आपने टेम्परेचर दे दिया तो उसके अंदर आग लग जाए इस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपके सामने इस पेपर की बात करता हूं ठीक है इस पेपर की बात करता हूं ठीक है ना तो अप्रोसीमेटली इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना हो सकता है 200-300 डिग्री सेल्सियस अलग अलग पेपर अलग अलग क्वालिटी इग्निशियन टेम्परेचर एवरेज दो सौ से तीन सौ तीन सौ से 400 सौ अप्रोक्स मान लो मेरे पास पेपर है ठीक है मान लो है मेरे पास पेपर है अभी क्या इसमें आग लग रही है क्या अभी इसमें आग लग रही है नहीं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है मान लो अगर ये फ्यूल है तो इसका जो टेम्परेचर है अभी इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा कि यह आग लग सके इसमें लेकिन अगर मैं इस माचिस का इस्तेमाल करता हूं और इसको जलाने के बाद देखिए क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा रैपिड कंबेशन फिर से होगा यह रैपिड कंबेशन हुआ यह देखिए अब मैं इसको हीट दे रहा हूं जैसे ही मैंने दिया तो इसको टेम्परेचर मिल गया इग्निशन टेम्परेचर था आग लगेगा ध्यान से देखना जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर दिया आग लग गई बस बस काफी है अब देखो अपन बुझा रहे हैं ये आग बुझा दी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अब ये कैसे हुआ इसको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं तो ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसको आपने दिया यानी उस टेम्परेचर का या उसके अबव आपने टेम्परेचर दिया जिसपे की सबस्टांस को फायर लग जाती है इट कैचेस फायर इज नोन इसचर यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर या उसके ऊपर मान लो किसी का है तीस डिग्री सेल्सियस आपने पैतीस दिया उसमें आग लग जाएगी तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर की उसमें आग लग जाती उसको है उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं ठीक है अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा सर स्पॉन्टेनियस कंबेशन में तो एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है तो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर कैसा होता होगा में इग्निशन टेंपरेचर कैसा होता होगा में जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बेसिकली क्या होता होगा वो बेसिकली बहुत ज्यादा लो होता होगा ठीक है ना और वो इतना ज्यादा लो होता होगा कि रूम टेम्परेचर सफिशियंट है आग लगाने के लिए आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं

जल्दी आग पकड़ ले रही है या अपने आप आग पकड़ ले रही है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग उसको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं यानी जिस पे अपने आप आग लग जाए बहुत कम होता है वो टेम्परेचर इसीलिए रूम टेम्परेचर पर बड़े बोलता है बाय मेरे में आग गई बाय मैं चलता हूं आग लग जाती है ठीक अब तीसरी चीज हीट एनर्जी ध्यान से सुन पा रहे हो क्या सारी की सारी चीजें हीट एनर्जी है ना इसको अगर हमने तीसरी चीज बोला था तो हमारा ऑक्सीजन सेकंड चीज थी इसके बारे में भी पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में तो पहले ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते फिर इसके बारे में आएंगे ऑक्सीजन अच्छा सेकंड नंबर मैंने ऑक्सीजन को दिया था पहला फ्यूल क्लियर हो गया तुमको फ्यूल कंबस्टिबल सबसे जिसमें आग लगेगी दूसरा ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन बट नॉट कंबस्टिबल अब ये क्या बोला आपने सुनील भैया ऊपर से निकल गया समझना मैंने क्या बोला ऑक्सीजन दूसरों को जलने में मदद करता है खुद नहीं जलता मैं ये बोल रहा हूं ऑक्सीजन बोलता है तुम्हारे को मैं जलाएगा लेकिन मैं खुद नहीं जलेगा आई एम वेरी चालाक बीरो समझ रहे हो आई एम बहुत ज्यादा चालाक बीरो मैं बहुत ज्यादा चालाक है मैं तुम्हारे को जलाएगी मेरा काम है तुमको जलाने का लेकिन मैं खुद नहीं जलेगी मैं खुद नहीं जलती दूसरों को जलाती मेरा नाम क्या है मेरा नाम है ऑक्सीजन इस पे मी मनेगा द गर्ल्स आई आइया आई या। आई 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 वो द गर्ल्स वाला मी मन जाएगा इसके ऊपर बढ़िया वाला समझ रहे हो मैं जलती नहीं हूं मैं जलाती हूं ये ऑक्सीजन है दोस्तों ये सबको जलने में मदद करेगी फिर तुम इससे पूछोगे अरे तुम जलोगी कहेगी नो <laughs> मैं जलती नहीं हूं ना यही तो है मैं जल जाऊंगी तो एटमोस्फेयर में क्या होगा तुम्हारा सोचो धमाके होते पड़े रहेंगे दिन भर समझ रहे हो मैं जलती नहीं हूं मैं जलने में मदद करती हूं ओके सॉरी अच्छा ये तीसरी चीज है हीट एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट है दो पार्ट में तोड़ेंगे द हीट एनर्जी रेजेज द टेम्परेचर टू और अब इग्निशन टेम्परेचर पहला पार्ट है ये, ठीक एंड दूसरा चीज मेक्स द फायर सेल्फ सस्टेनिंग अब ये तुम कह रहे हो सुनील बिया ये इतना कितना डीप कंसेप्ट कि आपने इसको ऐसे तोड़ दिया अब देखो मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ा है दोस्तों कैसे वो मैं आपको बताता हूं आप एक हीट एनर्जी दे रहे हो बाहर से और दूसरी हीट एनर्जी वो खुद से प्रोड्यूस कर रहा है कैसे आपको मैं ये रिलेट करवाता हूं तब आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी मैं आपको इसको रिलेट करवाना चाहता हूं इस चीज को आप देखना एक बार बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना मैं आपको कुछ फील करवाना चाहता हूं इसीलिए मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं इस चीज के ऊपर ध्यान से देखिए अब देखना मैंने क्या किया और फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी टेंशन मत लीजिए मैं आपको लाइव दिखाऊंगा मान लीजिए बेटा मान लीजिए ये देखिए कुछ ऐसे है ना इसको अब देखो ध्यान से देखना मैंने इसमें रैपिड कंबर्शन करवाया अब इस पर रैपिड कंबर्शन करा रहा हूं हीट एनर्जी दी अब मैंने तो यहां हीट एनर्जी दी थी लेकिन यहां वाला पेपर भी जलने लगेगा अरे भैया तुम तो बहुत ही डब्बू निकले अरे माचिस की तीली लाए मजा गए चलो जल जाओ बेटा चलो देखो अपन ने एक बार हीट एनर्जी दी अब पूरे पेपर में अपने आप आग लग रही है मैंने तो इधर दी थी आगे आग कैसे लगी अरे बस हैप्पी दिवाली हो जाएगी बेटा काफी है हैप्पी दिवाली नहीं करनी ठीक मैंने तो एक तरफ आग आग दी थी आगे आग कैसे लगी पूरा पेपर कैसे जला मैंने तो एक कोने पे आग दी थी ना मैंने तो एक कोने पे दी थी बस यार रुक जाओ रुक जाओ बस काफी है, काफी है। हो गया हो गया हो गया हो गया ठीक है ठीक है इतना गुस्सा नहीं करते सॉरी ठीक मैंने तो एक तरफ आग लगाई थी आगे आग कैसे लगी मेरा सवाल है ये समझ रहे हो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों और बहनों कि ये मेरा पेपर था बहुत बढ़िया तो जब मैंने यहां पे माचिस की तीली लगाई ऐसे माचिस की तीली लगा दी बाबू हाँ जी इधर लगाई ना आग इधर लगनी चाहिए इधर से पूरा इस पर कैसे चली गई अब ये इंपॉर्टेंट है क्यों बाकी पेपर तक थोड़ी टेम्परेचर बढ़ाया था मैंने बाकी पेपर का टेंपरेचर तो मैंने नहीं बढ़ाया ना मैंने तो एक कोने का टेम्परेचर बढ़ाया था मैंने तो सिर्फ इधर का टेंपरेचर बढ़ाया था यहां पर आग कैसे लग रही है इसको समझते हैं तो मैंने क्या किया सबसे पहली चीज मैंने मैचस्टिक में रैपिड कंबशन करवाया मैथस्टिक के अंदर कौन सा कंबेशन करवाया रैपिड कंबेशन हुआ मैथस्टिक में उस मैथस्टिक का रैपिड कंबेशन से मैं पेपर को टच किया एंड मैंने क्या किया अटेन किया उसका इग्निशन टेम्परेचर समझ रहे हो मैंने उसके इग्निशन टेम्परेचर को अटेन किया पेपर में कंबेशन करवाया और मैथ में रैपिड कंबर्सन कराया और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर अटेन किया इग्निशन टेम्परेचर अटेन किया पेपर के अंदर रैपिड कंबेशन होने लगा समझ रहे हो पेपर ने इंस्टेंटली आग पकड़ ली माचिस की तीली को जलाया इंस्टेंटली जली पेपर के पास लाया पेपर का इग्निशन टेम्परेचर अटेन हुआ पेपर में जल्दी से आग लगी अब पेपर में जब आग लगी तो होगा क्या पेपर क्या निकालेगा पेपर निकालेगा प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स निकालेगा बिल्कुल सही है ना पेपर प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स निकालेगा है ना बेटा प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स निकालेगा है ना ध्यान से सुनना साथ में हीट निकालेगा और साथ में लाइट निकालेगा अब ये हीट एनर्जी क्या करेगी आपने एक बार जला दिया इससे हीट एनर्जी निकलेगी अब ये हीट एनर्जी फर्दर फर्दर इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ पेपर टू मेक इट बर्न और ये प्रोसेस आपका साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा तुमने यहां आग लगाई जैसे यहां आग लगी हीट एनर्जी निकली इसने इसका टेम्परेचर यहां पे बढ़ा दिया यहां आग लगी अब फर्दर और हीट एनर्जी निकली यहां लगी तो ऐसे करते 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 पूरे पेपर पे आग लग जाती है तो मैंने क्या बोला तुमने एक बार टेम्परेचर इग्निशन टेंपरेचर के ऊपर निकाला हीट एनर्जी निकली उसके बाद यह प्रोसेस सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है यानी एक तरीके से सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस बन जाता है पूरे पेपर में अपने आप आग लगेगी यह बात समझ में आई इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं अपने आप हो रहा है ना भाई तुमने पेपर के एक कोने पे मैं फिर से दिखाना चाहूंगा आपको ये चीज अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो मैं आपको फिर से चीज दिखाना चाहूंगा मैंने पेपर के इस कोने पे आग यहां पे आग कैसे लगी यहां पे ट्रेवल कैसे कर रही है ये इंपॉर्टेंट है बेटा अरे कहां गया माचिस क्यों भैया तुमको डर लग रहा है के जलने से तो ध्यान जो ऑब्जर्व करेंगे बहुत जल्दी से इस पर होगा रैपिड कंबशन हुआ अब देखिए पेपर को गर्म किया पेपर का इग्निशन टेम्परेचर अटेन हुआ रैपिड कंबशन हुआ पूरे पेपर में आग लगी बहुत बढ़िया भैया तुम हमको ही जला दो अब यह आग लगी तो आगे कैसे जा रही है बिकॉज पेपर में से हीट एनर्जी निकल रही आगे के पेपर में आग लगी बस 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 काफी 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 समझे दोस्तों समझे दोस्तों मजा आ रहा है हाँ जी भैया चलो तो अब आ जाओ तुम लोग आप बिल्कुल रेडी उसको समझने के लिए तो फायर को जलने के लिए तीन चीजों की जरूरत है पहला है फ्यूल दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरी है हीट एनर्जी क्या है तीसरी हीट एनर्जी समझ रहे हो हीट एनर्जी दी थी ना तुमने इनिशियली हीट एनर्जी दी थी ना इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर ले जाने के लिए अब उसके बाद फ्यूल जब जल रहा है तो वो खुद से हीट एनर्जी निकालेगा बाकी बचे हुए फ्यूल में आग लगेगा ऐसे साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा 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 रहे तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है इसको बोलते हैं चौथी चीज को चेन रिएक्शन तुमको एक बार पेपर को एक कोने पर आग लगाना है उसके बाद पूरा पेपर खुद जलेगा चेन रिएक्शन चेन अपने आप चल रहा है फ्यूल हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा हीट एनर्जी जो पहले वाला पेपर जला उससे हीट एनर्जी निकलेगी वो हीट एनर्जी इग्निशन टेपरेचर ऊपर की आग लेगी फिर और हीट एनर्जी निकलेगी फिर उसके बाद बचे हुए फ्यूल को ऑक्सीजन एयर में से ले लेगी फिर जलाएगी ऐसे करते 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 एक चेन रिएक्शन चलती रहेगी ठीक है इस चीज को बोलते हैं फायर टेट्रा क्या बोलते हैं फायर टेट्राहीड्रन फायर ट्राइंगल में तीन चीजें होती है चौथी चीज है चेन रिएक्शन बनता है फायर टेट्राहीड्रॉन अच्छा अब आग को अगर बुझाना है तो तुमको क्या करना है या तो तुम फ्यूल को हटा दो या तुम ऑक्सीजन को हटा दो या तुम इसको क्या कर दो ठंडा कर दो हीट एनर्जी को हटा दो काम खत्म या तो तुम क्या कर दो रिमूव फ्यूल आपने अगर फ्यूल को रिमूव कर दिया तो बेसिकली स्टारवेशन आपने अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो बेसिकली स्मोदरिंग और अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया इसका मतलब यह है टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो इग्निशन टेम्परेचर अगर इग्निशन टेम्परेचर और सब्सटेंस से नीचे आ गया टेम्परेचर तो आग बुझ जाएगी समझ रहे हो अगर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर आ गया तो आग क्या हो जाएगी आग आपकी भुज जाएगी ये बेसिक सरल सी बात आई होप मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों को समझ में आ रही है ठीक है ओके सुनील भैया आगे चल लो यहां पे समझ आ गया है अब आपको टाइप्स ऑफ फायर इंड वेस्ट टू एक्सटिंग समझाऊंगा लेकिन इससे पहले एक बार चेट बॉक्स के अंदर आए भैया लिख देना प्यार से कि भैया आपकी बातें हैं जो समझ में आ रही हैं और एक और एक्सपेरिमेंट आपको हम करके दिखाएंगे अभी के अभी समझ रहे हो दोस्तों एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे स्टार्वेशन का मतलब है भुखमरी एक तरीके से आपने अगर फ्यूल को हटा दिया तो वो है स्टार्वेशन अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूं यहां पे देखिए ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अगर आपने फ्यूल को हटा दिया अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे होगा तो इसको कहते हैं स्टारवेशन ऑक्सीजन को हटा दिया तो इसको कहते हैं स्मोदरिंग और अगर आपने ठंडा कर दिया तो इसको कहते हैं कूलिंग 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 ठीक है अब देखिए एक चीज और दिखाते हैं आपको यहां पे बढ़िया सी ठीक है ठीक है इसको वैसे एक्चुअली लाइटर से करना चाहिए था हमें लाइटर नहीं है अभी हमारे पास तो एक्सपेरिमेंट के लिए लाइटर यूज़ करते हैं हम पर यहाँ पे अभी नहीं है तो माचिस से ही काम चलाने की कोशिश करेंगे तो माचिस से इतना सही से होगा नहीं चीज़। आ... आ ये चीज़ आइए तो देखिए अगर मैं पेपर का एक कप लेता हूँ ठीक है और इस पेपर के कप के नीचे ऐसे माचिस को लगा दूँ बढ़िया इसमें आग लग चुकी है देखिए आप है ना इसमें आग लग चुकी है मैंने माचिस की तीली से लगाया इसमें आग लग गई देखो है ना माचिस की तीली से आग लगाई पेपर का इग्निशन टेम्परेचर अटेन हो गया पेपर में आग लग गई ठीक है बहुत बढ़िया भैया ये देखिए बढ़िया लग रही आग हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओम तय भगम यजा मे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम ओ रु वुकमि मृत्यु और मूर्शी यमाम्रता छुड़ गया हमारे हाथ से कोई बात नहीं चलिए उसमें आग लग गई बढ़िया से अब यही चीज में थोड़ी मस्ती करें तो कैसे मस्ती करेंगे सुनील भैया देखो ध्यान से देखना अब इसी पेपर के कप में इसी पेपर के कप में भैया लाइव कर रहे हैं देख लो कोई रीटेक नहीं है इसी के अंदर पानी डाल दे तो जल देवता को इसी के अंदर अगर हम डाल दें और अब अगर हम कोशिश करें कि भैया तुम में आग लगे तो तुम बच जाओगे शायद समझ रहे हो चलो भैया ठीक है एक मिनट अच्छा तीली निकालते हैं हम ठीक है ध्यान से देखना तुम लोगों ने घर पे किया है तो बढ़िया है नहीं किया तो जाके अभी घर जाके कर लेना इस एक्सपेरिमेंट को घर पे जाके कर लेना बढ़िया से ठीक है ना और मम्मी पापा के सामने करना ताकि हाथ पैर खुद के जला ना लो अब देखो इसको लगा रहे नीचे ध्यान से देखो लगा रहे नीचे ठीक है ओ भैया ये क्या हो रहा है जल रहेगा नहीं 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 ठीक है भैया अब देखिए पूरा लगा दिया हम इसको ठीक है दिख रहा है कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ काला पड़ा नीचे से ठीक है ना एक और बार करके देखते हैं सिर्फ पानी गर्म होगा और कुछ नहीं होगा ध्यान से देखिएगा और क्यों होगा इसके पीछे आप रीज़न बताएंगे देखिए एक तिली पूरी लगा चुके दूसरी लगा रहे हैं आपके सामने ठीक है ना ये देखिए एक लगा चुके दूसरी लगा रहे हैं दिख रही है दिख रही है भाई दिख है भाई, है रही है भाई पूरी यह देखो तिली लगा रखी है यह देखो दिख रही है अरे दिख रही है क्या देखिए ये बुझ गई तिल्ली अरे हाथ जला दोगे भाई हमारा ठीक अब देखेंगे अगर पानी को देखेंगे तो पानी गर्म हो चुका है पानी क्या है पानी यहां पे गर्म हो चुका है तो पानी यहां पे गर्म हो रहा है पानी यहां पे गर्म हो रहा है ठीक है पानी यहां पे गर्म हो रहा है पानी यहां गर्म हो रहा था ठीक है एक और तिल्ली लगा देंगे भैया देखो ये काला पड़ गया यहां से पीछे से एक मिनट अगर किसी बच्चे को विश्वास ना हो तो दिखा देते हैं भैया कहेंगे अरे भैया ये पानी डोल दिया हमने ये देखिए ये काला पड़ गया यहाँ पे देख रहे काला पड़ रहा है देखिए काला पड़ेगा लेकिन आग नहीं लगेगी अब इसके पीछे क्या कारण है दिख रहा है बाबू काला पड़ गया पढ़िया देखो काला पड़ गया ये देखो ये नीचे से काला पड़ गया है ये रहा काला पड़ गया लेकिन आग नहीं लगी इसके अंदर पानी डोल दिया हमने तो ऐसा क्यों हुआ सुनील भैया इस चीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए है ना इस चीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं आपको आ जाइए देखिए पहले वाला पेपर कप क्या था ऐसे था ऐसे था और ये ऐसे था और दूसरे वाला पेपर कप भी क्या था ऐसे था अब यहां पर आपने जैसे ही हीट दी आपने जैसे ही हीट दी और ये जो पेपर कप था ये पेपर कप क्या हो जाएगा अगर आप पेपर कप की बात करें तो पेपर कप क्या हो जाएगा पेपर कप आपका यहां पे क्या हो जाएगा पेपर कप हो जाएगा आपका फ्यूल एयर में क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हीट एनर्जी क्या कर रही है हीट एनर्जी क्या कर रही है टेम्परेचर टू इग्निशन टेम्परेचर लेके जा रही है ठीक है आपने पेपर कब आपका फ्यूल है ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है और हीट एनर्जी आपकी क्या कर रही है यहां पे इग्निशन टेम्परेचर तक का टेम्परेचर लेके जा रही है बहुत सरल सी बात है लेकिन अगर आप इसमें पानी को डाल देते हैं अब देखिए यहां पे क्या होता है यह पहला केस का के एनालिसिस था फर्स्ट केस यहां पर ऐसा हो रहा है ये सेकंड केस है सेकंड केस में जब आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है आप इसको समझिएगा ये हीट आपने दी सेकंड केस में क्या है फ्यूल आपका कौन है पेपर कप है ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, है ना? इस पर ग्रीन टिक लगा दीजिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन हीट एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हैं कांट रेज द टेम्परेचर टू इग्निशन टेम्परेचर कांट रेज टेम्परेचर टू इग्निशन टेम्परेचर अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि ऐसा क्यों है सुनील भैया ये दूसरा केस है इसमें इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर क्यों नहीं पहुंचा अरे भैया इसीलिए नहीं पहुंचा बहुत सरल सी बात है तुम हीट एनर्जी दे रहे हो ये पानी ले जा रहा है तो ये क्या है ये पानी ले जा रहा है हीट एनर्जी को ठीक है और पानी उस हीट को क्या कर ले रहा है पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है या होल्ड करके बैठा है और वैसे भी साइंस में एक टर्म आती है स्पेसिफिक हीट बढ़िया से पानी सबसे ज्यादा हीट को होल्ड कर सकता है तो ये जो हीट है पानी के पास जा रही है तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर रीच ही नहीं हो रहा कांट्रेसर टेम्परेचर टू इग्निशन टेम्परेचर बिकॉज दैट हीट इज ट्रांसफर टू वॉटर ये हीट जो है ही ये पानी को ट्रांसफर हो रही है समझ रहे हो आप मेरी बात ये हीट जो है ये पानी को ट्रांसफर हो जा रही है ना भाई तो जब ये हीट पानी को ट्रांसफर हो जा रही है दोस्तों तो पेपर में आग जिसमें पानी नहीं है जिसको हम जला रहे थे देखिए पानी डोल दिया था मैंने अब अगर इसी पेपर कप में मैं आग लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं क्या अब इसको कोई बचाएगा क्या देखिए अब अगर मैं इसमें आग लगाना चाहूं तो आप इसको कोई बचाएगा क्या देखिए लग गई आग लेकिन पानी का जो बचा हुआ पार्ट है वो फटफट -फट करके फूट रहा है स्टीम बन रही है देखो लग गई आग अब इसी पेपर कप में आग लग गई अगर इसी में पानी डाल दूंगा तो आग नहीं लग रही थी है ना समझ में आ गया हाँ पानी आपका गर्म था पानी आपका गर्म हो जाएगा बिल्कुल सही बात है पानी का क्या हो जाएगा पानी आपका गर्म हो जाएगा ठीक वॉटर बिकम्स हॉट बस 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 हो गया हो गया ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं वॉटर बिकम्स हॉट समझ में आ गई बात आपका पानी हॉट हो जाएगा एंड फाइनली बॉइल भी कर जाएगा बस बस जल गए भैया हो, हो गया हो गया हो गया हो गया चलो ठीक है ना चलो आई होप यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है एक घंटे में आप बहुत सारी चीजें समझ गए हैं अब आगे चीजों पे चलेंगे हम लोग फटाफट से आई होप यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है यस yes. <coughs> समझ में आ गई बात वॉटर बिकम्स हॉट एंड देन इट विल बॉइल ठीक है चलिए अब इतना ज्यादा भी मत गर्म कर दीजिएगा है ना उसकी भी एक लिमिट है हीट को होल्ड करने की ठीक है चलो अब देखो यहां पे आपको टाइप्स ऑफ फायर में पढ़ा रहा हूं ये किताब में नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे हैं तो उनको सारी टाइप्स ऑफ फायर की कैटेगरीज पता होनी चाहिए तो हम डिफरेंट कैटेगरीज की फायर की बात करते हैं और हर फायर में आप पानी का इस्तेमाल मत करना अपने यहां लोग क्या करते हैं अरे आग लगी पानी डालो अरे भैया पानी नहीं डालते हर जगह हर जगह पानी डालोगे तो आग बढ़ भी सकती है ठीक है तो हर जगह आप पानी को नहीं डालेंगे इस बात को आपको समझना पड़ेगा तो क्लास ए कैटेगरी की फायर के बारे में करते हैं चर्चा क्लास ए कैटेगरी की फायर के बारे में करते हैं चर्चा क्लास ए कैटेगरी की फायर क्या होती है भैया प्लीज बताइए एक बार तो क्लास ए कैटेगरी की फायर कौन सी होती है अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए जो आपने कपड़े पहने उसमें आग लग जाए या पेपर में आग लग जाए या लकड़ी में आग लग जाए तो ऐसी तरीके की आग को कहते हैं कैटेगरी ए फायर या क्लास ए फायर ठीक है या तो आपके कपड़ों में लग रही है पेपर में लग रही है या लकड़ी में लग रही है तो इस तरीके की फायर में आप किसका इस्तेमाल करेंगे वाटर का ये टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग में है वाटर है फोम है कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई पाउडर्स है स्पेशल ड्राई पाउडर्स है एंड वेट केमिकल्स है बहुत एक्स्ट्रा है पर मैं आपको हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं फोम क्या होता है सबसे पहले पानी तो पता ही होगा फोम क्या होता है ये आप क्लास नाइन्थ में पढ़ेंगे एक तरीके कोलाइडल सॉल्व होता है ठीक है ना जिसमें जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं लिक्विड के अंदर ठीक है फोम तुम फोमिंग जेल भी लगाते हो तो समझ में आ रहा होगा ये तुम्हारे साबुन की जो तो सोडा जिसको बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं किसकी बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं स्पेशल ड्राई पाउडर्स में हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे स्पेशल ड्राई पाउडर्स में हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे होंगे नमक की बात कर रहे होंगे ठीक है सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं ठीक है या बेसिकली हम बात कर रहे होंगे की बात कर होंगे, सोडियम कार्बोनेट की जिसको हम बोलते हैं सोडा एश ठीक है ना सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे होंगे एटसेट्रा और वेट केमिकल्स में हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट की के टू थ्री की बात कर रहे होंगे ठीक है क्या भैया ये याद रखने हैं अगर याद रहता है तो बढ़िया है नहीं रहता तो कोई दिक्कत वाली बात या नहीं है ठीक है चलिए अब इसमें अगर आग लगती है मान लीजिए पेपर में, कपड़ों में या आपके मान लीजिए लकड़ी में तो आपके लिए सबसे सरल तरीके का उपाय क्या है ठीक है ये एन ए टू सी ओ थ्री है लिख देता हूं अच्छी तरीके से कुछ बच्चे वरना कंफ्यूज होंगे इसको देखते हुए ये एन ए टू सी ओ थ्री है ठीक है बेटा ठीक है ना तो इसको ध्यान से देखिए आप इसमें वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई पाउडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वेट केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं बट मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है मोस्ट कॉमन वो है बेसिकली पानी इस केस में कौन सा है बेटा मोस्ट कॉमन जो है इस केस में वो है आपका पानी ठीक है सुनील भैया पानी यहां पे कैसे आग बुझाता है पानी यहां पे कैसे आग बुझाता है देखिए पानी यहां पे कैसे आग बुझाता है बेटा जैसे मान लीजिए अब आपने मान लीजिए ऐसे फायर जला रखी है ऐसे लकड़ियां जला रखी है है ना ऐसे बॉन फायर आपने जला रखी है ठीक है ऐसे बॉन फायर है जैसे ही आप इसके ऊपर पानी को थ्रो करेंगे वाटर को आप मान लीजिए इस आग के ऊपर थ्रो करते हैं वाटर को मान लीजिए इसके ऊपर आप थ्रो करते हैं तो बेसिकली क्या होगा वॉटर को थ्रो करेंगे तो बेसिकली क्या होगा इसके ऊपर बेटा वॉटर क्या करेगा वॉटर यहां पर क्या करेगा कूलिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेगा कौन से प्रिंसिपल का यहां पे कौन सा प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेगा वो कूलिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेगा यानी वो फ्यूल का जो टेम्परेचर है टेम्परेचर ऑफ फ्यूल इज ब्रॉट लोअर टू इग्निशन टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम कर देगा आग बुझ जाएगी काम खत्म अब मान लीजिए लकड़ी में आग लगी है पेपर में लगी है कपड़ों में लगी है तो आप पानी को छाल के फेंक के मारिए पानी को उसके ऊपर पानी क्या करेगा वहां पर जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे कम ले आएगा टेम्परेचर को ठंडा कर देगा और ठंडा कर देगा तो आग बुझ जाएगी तो मैंने आपको कहा था या तो आप फ्यूल हटा दीजिए या पॉक्सिन हटा दीजिए या आप बेसिकली हीट हटा दीजिए तीनों में से एक आपने हटा दिया आग बुझ जाएगी अगर आपने फ्यूल हटा दिया आग बुझ जाएगी अगर आपने हीट हटा दी आग बुझ जाएगी अगर आपने ऑक्सीजन हटा दी आग बुझ जाएगी तो अगर आपने इनमें से एक भी चीज करी आग बुझ जाएगी ये आपका सबसे सरल सा एग्जाम्पल है ठीक है दूसरी चीज क्लास बी कैटेगरी की फायर के बारे में बात करते हैं क्लास बी कैटेगरी की फायर किसके ऊपर बेस्ड होती है आपके फ्लेमेबल लिक्विड्स में अगर आग लग जाए फ्लेमेबल लिक्विड्स की जो फायर होती है फ्लेमेबल लिक्विड्स की जो आग होती है देखो कपड़ों में आग लगी लकड़ी में आग लगी पेपर में आग लगी तो बेसिकली क्लास है क्लास भी फ्लेमेबल लिक्विड्स मान लो तुम्हारा पेट्रोल जिसको तुम गैसोलीन कहते हो उसमें आग लगी डीजल में आग लगी कैरोसिन में आग लगी तो ये सारी फायर फ्लेमेबल लिक्विड्स की फायर है अब देखो इसमें क्या करना होता है जैसे पेट्रोल में लग गई डीजल में लग गई ऑयल में लग गई है ना तो अब कौन सा एक्सटिंग यूज करोगे पानी सबसे पहले यूज नहीं करना सबसे इंपॉर्टेंट बात पानी यूज नहीं करना क्यों यूज नहीं करना मैं बताऊंगा अब भैया हर तरीके की आग में हम तो पानी को झोंकेंगे ओ भैया पानी आ जाओ आग बुझा के आओ कुछ नहीं होगा क्यों वाई वॉटर शुड नॉट बी यूज एक बात बताना डेंसिटी कितनी होती है ऑयल की घनत्व डेंसिटी ऑयल की ज्यादा की पानी की ज्यादा की मान लो डेंसिटी ऑयल की क्या है पानी से क्या है कम है ना अब मान लो तुम्हारे ऑयल में आग लगी है और तुमने पानी डाल दिया लगी आग ऑयल में है तुमने डाला पानी घर पे अगर कभी ऑयल में आग लग जाए पानी मत डाल देना आग गंदी भयंकर बढ़ जाएगी मान लो कि तुमने कुकिंग ऑयल रखा उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया आग लग जाएगी और तुमने बोला बुझाने के लिए पानी डालते थे पानी डालोगे उछल के तुम्हारे मुंह पे आ जाएगी आग क्यों क्योंकि डेंसिटी ऑयल की कम है पानी से तो क्या करेगा ऑयल विल फ्लोट ऑन वॉटर एंड फायर विल कंटिन्यू फायर आपकी कंटिन्यूटी रहेगी समझ में आ रही बात आपका जो ऑयल है पानी पे तैरता रहेगा और जब तक वो पानी पे तैरता रहेगा आग आपकी लगी हुई रहेगी फायर विल कंटिन्यू आपको एक बेसिक सरल सी बात यहां पे समझ में आनी चाहिए नाउ दिस इज बेसिकली वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहली बात जो आपको यहां पे समझनी है वो ये है दूसरी बात सुनील भैया अगर ऑक्सीजन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आग बुझाएगी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या खेम है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए दो तरीके से यूज करती है देखिए मान लो तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर तो ये किस फॉर्मेट में होती है ये लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में होती है किस फॉर्मेट में होती है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में होती है ठीक है तो जैसे ही तुम इसको ऐसे डालोगे करके डालोगे होगा क्या सबसे पहला तो ये जब बाहर निकलती है तो ये कूलिंग इफेक्ट से आपकी इसको ठंडा करेगी ऐसा क्यों मैं आपको समझाता हूं लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है तो जैसे ही बाहर आएगी टेम्परेचर रिड्यूजेस एज इट कम्स आउट जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट जाता है अब यह क्यों घटता है ए थोड़ी डीप है अभी आपको नहीं समझ आएगी बट घट जाता है। तो इससे बेसिकली क्या होता है सबसे पहला ये करती है कूलिंग सबसे पहला तो यह करती है पहला प्रिंसिपल फॉलो करती है कूलिंग का कि यह इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि टेम्परेचर क्या करती है टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो इग्निशन टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आती है आपके टेम्परेचर को फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। एक तो ये, दूसरा क्या करती है ये? दूसरा ये करती है स्मोदरिंग स्मोदरिंग मतलब ऑक्सीजन को भगाना क्या करती है स्मोदरिंग ऑक्सीजन को भगाना अभी ऑक्सीजन को कैसे भगाती है ध्यान से सुनिए आपको ये पता है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कौन ज्यादा भारी है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन तो ये क्या करती है ये बेसिकली क्या करती है आग से ऑक्सीजन को हटाती है डिसप्लेसिस ऑक्सीजन फ्रॉम फायर यह ज्यादा भारी है ना अब जमीन पे आग लग रही है तो जो ज्यादा भारी होगा वो आग को घेर लेगा जैसे मान लो ये बॉन फायर पे तुमने डाला तो क्या करेगा चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी आग के ऑक्सीजन को आने नहीं देगी ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देगी क्यों क्योंकि ये ज्यादा भारी है ज्यादा भारी है तो ये नीचे रहेगी ऑक्सीजन को हटाएगी ठीक है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन चारों तरफ घेर लेगी फायर को एंड ऑक्सीजन को वहां पे नहीं आने देगी डिस्प्लेस कर देगी इसको कहते हैं तो दो तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे फायर करती है फर्स्ट वन इज इग्निशियन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल दूसरा स्मोदरिंग आई होप आपको ये यह बात यहां पर समझ में आ रही है क्या मैं समझा पा रहा हूं क्या मैं समझा पा रहा हूं अरे बिल्कुल लाइव है भाई ये बिल्कुल लाइव है इधर देखो हाथ हिल रहा है भैया ठीक है समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात क्लियर हो रही है बात अच्छा ड्राई पाउडर से कैसे बुझेगी सुनील भैया आग मान लो तुम्हारे पास बेकिंग सोडा है एन है ठीक है ना तुमने बेकिंग सोडा को इसके ऊपर डाल दिया किसको डाल दिया आग के ऊपर बेकिंग सोडा को डाल दिया तो ये क्या करेगी ये जो हीट ऑफ फायर है फायर की जो हीट होगी उसको यूज करते हुए ये टूट जाएगी किसमें ये बेसिकली टूटेगी आपका सोडा एश में एन ए टू सीओ थ्री सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं प्लस एच टू में टूटेगी प्लस सीओ टू में टूटेगी ठीक है इधर एन ए टू सीओ थ्री लिख देते हैं ठीक है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर से स्मोदरिंग करेगी और स्मोदरिंग के बेसिस पे आपकी आग बुझाई जाएगी मान लो आपने ड्राई पाउडर पटक दिया तो ड्राई पाउडर एनएच सीओ थ्री है वो फायर की हीट से डीकंपोज हो जाएगा टूट जाएगा ये टूट जाएगा Na2CO3 सीओ थ्री प्लस एस टू प्लस सीओ टू में टूट जाएगा और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से स्मोदरिंग करेगा सिंपल सी सरल सी बात ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत सही तीसरी कैटेगरी की फायर अरे बाबू लोग चैटिंग छोड़ो यहां पे फोकस करो तीसरी कैटेगरी की फायर जो आपकी होती है फ्लेमेबल गैसेस की वजह से कौन सी फ्लेमेबल गैसेस की वजह से होती है ठीक तो अब इसके अंदर किस प्रकार का फायर एक्सटिंग आप इस्तेमाल करेंगे ओनली ड्राई पाउडर्स का आप लोग इस्तेमाल करेंगे यानी जैसे कि आपका बेकिंग सोडा का आप लोग इस्तेमाल यहां पर करेंगे ठीक उसके बाद क्लास डी कैटेगरी की फायर जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्टिव मेटल्स ठीक है क्लास डी कैटेगरी की जो फायर है दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्टिव मेटल्स रिएक्टिव मेटल्स की वजह से ये फायर आपकी होती है और इसमें आप लोग क्या यूज करेंगे इसमें ना तो आप पानी का इस्तेमाल करेंगे ना फोम का ना कार्बन डाइऑक्साइड का ना ड्राई पाउडर्स का ओनली स्पेशल ड्राई पाउडर्स का इस्तेमाल होगा अब मैं आपको कारण भी बता सकता हूं कि अगर मान लीजिए मैग्नीशियम की फायर है और आपने डाल दिया पानी आग चार गुना बढ़ जाएगी क्यों देखिए मान लीजिए मैग्नीशियम में आग लगी हुई है आपने बुझाने के लिए क्या डाला आपने बुझाने के लिए डाला पानी है ना मैग्नीशियम की फायर है मैग्नीशियम फायर पे आपने क्या डाल दिया मैग्नीशियम फायर पे आपने पानी डाल दिया पानी है ठीक है बहुत बढ़िया पानी गर्म हो जाएगा क्या बन जाएगा मैग्नीशियम फायर की वजह से पानी क्या हो जाएगा हॉट 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 हो हो जाएगा जाएगा वाटर ना हॉट वाटर हो जाएगा भैया अब ये पानी गर्म हो जाएगा तो मैग्नीशियम इससे रिएक्ट करके बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी इस हाइड्रोजन गैस में आग लग जाएगी तो कभी भी आप मैग्नीशियम की फायर या सोडियम की फायर पे पानी का इस्तेमाल मत करना क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और वो हाइड्रोजन गैस में क्या लग जाती है आग लग जाती है हाइड्रोजन गैस है क्या है बेटा ये ये हाइड्रोजन गैस निकाल देगा क्या निकाल देगा हाइड्रोजन गैस निकाल देगा समझ रहे हो समझ रहे हो तो मैग्नीशियम मेटल की आग लगेगी पानी का इस्तेमाल मत करना वरना आग चार गुना बढ़ जाएगी क्योंकि मैग्नीशियम को यहां पे जो फायर है इसको पानी को गर्म करेगी हॉट वाटर बनेगा इससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस तो खतरनाक भयंकर कंबस्टिबल है आग लग जाएगी ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे डोंट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल तुम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करोगे मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगा क्या बनाएगा एम बनाएगा प्लस कार्बन बनाएगा ठीक है डोंट यूज कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है डोंट यूज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज वो रिएक्शन चलती रहेगी आग लगी हुई रहेगी रिएक्शन विल कंटिन्यू फायर विल सस्टेन मत करना इसका, इसका इस्तेमाल कुछ बच्चे बोलेंगे हम सैंड का इस्तेमाल करेंगे सैंड का आप सैंड का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना सैंड ओनली बी यूज ओनली बी यूज वैन अमाउंट ऑफ सैंड ध्यान से सुनना जब अमाउंट जो है मिट्टी का अमाउंट ऑफ सैंड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मैग्नीशियम फायर यानी मैग्नीशियम फायर का जिस लेवल का स्केल है अगर उससे बहुत ज्यादा सैंड है तभी यूज करना वरना मिट्टी से भी मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेता है अदरवाइज अदरवाइज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ सैंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ सैंड मिट्टी से भी रिएक्ट कर लेता है मैग्नीशियम रिएक्ट विद सेंड एंड एन एक्सप्लोजन विल एक धमाका होगा बहुत भयंकर सा इसीलिए प्लीज, प्लीज 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 आप ना तो पानी का इस्तेमाल करें ना ही आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करें और ना ही आप मिट्टी का इस्तेमाल करें अगर इन तीनों में से आपने किसी भी चीज का इस्तेमाल करा तो आग आपकी लगी हुई रहेगी चुपचाप स्पेशल ड्राई पाउडर्स का इस्तेमाल करें जैसे कि सोडियम कार्बोनेट या बेसिकली सोडियम क्लोराइड इनका इस्तेमाल करें यही आपको बचा पाएंगे अगर आप डालेंगे पानी आग लगी रहेगी आप डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होगी आग लगी रहेगी आप डालेंगे मिट्टी अगर उसका अमाउंट ज्यादा नहीं है धमाका होगा भयंकर भयंकर धमाका हो जाएगा भाई इसलिए याद रखना अगर अदरवाइज़ मैग्नीशियम डाइक्ट्राइड सेंड एंड एंड एक्सप्लोजन विल ऑकर अगर इसका अमाउंट ज्यादा नहीं है समझ लेना धमाका निश्चित है उसके बाद आती है क्लास ई कैटेगरी की फायर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर्स कौन सी फायर्स बिजली के द्वारा है जाने वाली फायर्स अब इसमें आप क्या कर सकते हो इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल तो कर ही सकते हो ठीक है सबसे पहला पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना वाई नॉट वॉटर सबके दिमाग में आता है अगर बिजली में आ, बिजली की आग लगेगी तो मैं पानी का इस्तेमाल करूंगा एक गधा अपन ने देखा था तो ट्रांसफॉर्मर में आग लगी वहां पानी डाल रहा था अरे भैया खत्म हो जाओगे यह सब चीजें मत करना सुनील भैया ऐसा क्यों देखिए पानी से आग मत बुझाना ट्रांसफॉर्मर की पहली चीज द वन डाउजिंग द फायर डाउजिंग फायर मे डाए ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन अरे बिजली कंडक्ट करता है पानी है ना थो वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है बट स्टिल कंडक्ट करता है और पानी में अगर सॉल्ट डिजोल्व होंगे तो अच्छा कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली से मर जाएगा इंसान बिजली का झटका लगेगा पानी में अगर पैसे पानी डाल के बुझा रहा है झटका लगेगा आदमी मर जाएगा जो आग बुझा रहा है पहली चीज दूसरा फायर वर्सेंस यानी ये फायर और ज्यादा बिगड़ती है अगर आप पानी डालते हैं कृपया करके इलेक्ट्रिकल फायर्स पे पानी का इस्तेमाल ना करें ना करें ना करें तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का कर इस्तेमाल करें और एक स्मार्ट अप्रोच में आपको और बताता हूं एक और स्मार्ट अप्रोच में आपको यहां पे बता रहा हूं अगर फ्यूचर में कभी आपके घर में या कहीं पे भी भगवान ना करे कहीं आग लगती है बिजली की तो आप क्या कर दीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ऑफ कर दीजिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को आप ऑफ कर दीजिए क्या कर दीजिए ऑफ कर दीजिए इसको बेसिकली हम कहते हैं स्टारवेशन यानी फ्यूल ही नहीं होगा तो जलेगा क्या अगर वो बिजली की वजह से आग लगी है आप बिजली को बंद कर दीजिए हाँ अब ऐसा है कि बिजली की वजह से दूसरी चीजों में आग लग चुकी है तब तो फिर वहां इसको बंद करने से कुछ नहीं होगा बट इसका एक सबसे बेस्ट अप्रोच ये है स्टारवेशन में आप क्या करते हैं फ्यूल की कमी हो जाएगी अगर बिजली की वजह से लगी आप बिजली को ऑफ कर दीजिए हाँ, अब उससे वो चारों तरफ फायर फैल चुकी है तो आपको दूसरे फायर एक्सटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है बहुत बढ़िया अब लास्ट कैटेगरी की फायर है क्लास एफ या क्लास के कुकिंग ऑइल्स एंड फैट्स की अब ये थोड़ा सा ऐसा है कि यूरोप में क्या यूज होता है यूएस में क्या यूज होता है उस बेसिस पे एफ या के बोलते हैं इसको तो आपकी घर पे मान लीजिए कुकिंग ऑइल्स में आग लग जाती है फैट्स में आग लग जाती है तो पानी का इस्तेमाल तो आपको नहीं करना है मैं आपको बता चुका हूं इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ वेट केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे दट से कि पोटेशियम कार्बोनेट कौन सा पोटेशियम कार्बोनेट प्लीज बेटा इनमें से ना पानी ना कुछ अगर आप यूज करेंगे पानी वगैरह आपकी आग चार गुना बढ़ जाएगी क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है फ्लोट करेगा आग फैलेगी ज्यादा अगर कुकिंग ऑयल में आग लगी है आग आपकी चार गुना फैल जाएगी अगर आपने पानी डाला तो कृपया करके पानी मत डालना ठीक है भैया चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं पांच से दस मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अभी चैप्टर की कहानी हमारी लंबी है ठीक है यहाँ पे चैप्टर की कहानी अभी लंबी है फ्लेम एंड स्ट्रक्चर से हम लोग चालू करेंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पर अभी एक घंटे का लेक्चर और है तो मैं यहाँ पर आपको एक टेन मिनट्स का ब्रेक देता हूँ ठीक है ब्रेक के बाद वापस आइए जल्दी से भागना नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ एक दस मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस दस मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं और चीजों को बहुत ही डिटेल तरीके से सॉल्व करेंगे समझेंगे ठीक है समझ गए वापस आना है भाग के नहीं जाना है आप लोगों को दस मिनट का एक छोटा सा मैं ब्रेक दे रहा हूं एंड आई वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ यू अगेन आफ्टर दैट टेन मिनट ब्रेक तो ब्रेक स्टार्ट नाउ हाँ भाई वापिस आ गए चलो टाइम हो गया आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे के सारे वापिस आ जाओ सारे के सारे बालक बच्चा लोग आ जाओ जल्दी 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 आ गए सारे के सारे चलो जल्दी से आ जाओ आ गए क्या बालक बच्चा लोग प्यारे प्यारे बाबू लोग आ गए क्या सारे के सारे आ गए चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से आ जाओ सारे के सारे फटाफट से आ जाओ आ गए सारे के सारे चालू करें चालू करें सारे के सारे आ गए चलिए चालू करते हैं प्रणाम 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 चलिए बहुत बढ़िया आप चालू करेंगे हम यहां पे फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर के ऊपर यह थोड़ा सा डिटेल्ड कंसेप्ट है यह थोड़ा सा आपका आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड भी है बट इस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को मैं आपके लिए बहुत ज्यादा सरल और सिंपल बनाने की कोशिश यहां पर करूंगा ठीक है अब सबसे पहली चीज अगर हम पूछें तो कैंडल का फ्लेम ऊपर क्यों जाता है या कोई भी फ्लेम जो अगर आप बनाते हैं वो ऐसे करके ऐसे क्यों जाता है उसका मन कर रहा होगा अगर मान लीजिए फ्लेम का मन करे तो वो ऐसे ही क्यों जाती है वो ऐसे जा सकती थी वो ऐसे 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 जा सकती थी लेकिन वो जाती ऐसे जा 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 ही है ऊपर है ना वो कोई और शेप नहीं बनाती है क्यों 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 तो यहां पर इस चीज के बारे में डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है ना इस डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पे ठीक इसको ध्यान से समझना सबसे पहले सबसे पहले मान लो ये तीन इमेजेस हैं अभी तुमको समझ में नहीं आएगी मैं धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगी ध्यान से देखना सबसे पहले है हवा हवा ठीक है हवा है बहुत बढ़िया तुमने जैसे ही इसको जलाया है ना तो इसके पास में जो हवा है उसको क्या मिलेगी हीट मिलेगी यानी तुम्हारी जो अगरबत्ती सॉरी जो मोमबत्ती तुमने जलाई उसके आसपास की हवा को हीट मिलेगी तो वो जो एयर है वो क्या बन जाएगी वो गर्म हवा बन जाएगी कैसी बन जाएगी गर्म हवा हॉट एयर यानी वो गर्म हवा बन जाएगी बहुत बढ़िया अब वो गर्म हवा के साथ क्या होगा कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है उसके पार्टिकल्स की बढ़ेगी अब आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी energy... एक मिनट यार ये कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है मिनट, मिनट, चलिए यहां पर अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है ध्यान से सुनना बहुत डिटेल में बताएंगे वापस इस पे पूरी चर्चा करेंगे वो एनर्जी जो किसी सब्सटेंस के मोशन से रिलेटेड हो इसको बेसिकली बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी दैट मींस द एनर्जी रिलेटेड टू द मोशन ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी व्हेन एनीथिंग इज मूविंग तो जो एनर्जी एसोसिएटेड है इसको हम बोलेंगे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी अगर ये बोलू काइनेटिक एनर्जी है इसकी और अब बोलू यू तो मैं कहूंगा बी वाले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है ए वाले से यानी मोशन जो है दैट इज मोर ठीक है तो यहां पर अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर मैं क्या चर्चा कर रहा हूं आप इसको देखिए आपने जैसे ही इसको जलाया मान लीजिए कैंडल को जलाया उस हीट से आसपास वाली आपकी हवा गर्म हो गई उस हवा को मैं बोलूंगा बेसिकली गर्म हवा यानी हॉट एयर और यहां पर यह होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है हवा के पार्टिकल्स की वह हवा के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वह तेज हो चुकी है इसको ऐसे समझ लीजिए मैं अगर आपके नीचे आग लगा जू तो आप भी तेते तेते भागने लगोगे इधर उधर भागने लगोगे यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है बहुत बढ़िया तो आप यहां पे देख पा रहे हो ये बेसिकली ठंडी हवा को दिखा रहा है और ये बेसिकली गर्म हवा को दिखा रहा है तो यहां पर पहले जो हवा थी वो ठंडी थी अब ये वाली जो हवा है ये बेसिकली क्या हो चुकी है गर्म हो चुकी है और गर्म हवा के अंदर बेसिकली क्या होता है काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट ज्यादा होता है पार्टिकल तेरते मूव कर रहे होते हैं ठीक है ठीक है अब इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं यहां पर आते हैं इसको एनालाइज करते हैं तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हवा के पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या वो इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे मान लीजिए पहले कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम में दस पार्टिकल्स थे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में दस पार्टिकल्स थे लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मूव कर रहे तो अब उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है घट चुके हैं आपकी क्लास में आप बैठे हैं पचास बच्चे थे क्लास में आग लग गई इधर उधर दौड़ रहे हैं आप क्लास के अंदर सिर्फ ही बालक बजे चालीस बालक बाहर गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है जिसको मैं क्या बोल सकता हूं पार्टिकल्स के अंदर अगर कुछ मास होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है पार्टिकल्स का कुछ मास होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है इसका मतलब क्या डिक्रीज हो गया है इसका मतलब बेसिकली हमारा क्या डिग्रीज हुआ है इसका मतलब हमारा डेंसिटी डिक्रीज हो चुका है ठीक है इसका मतलब हमारा क्या डिक्रीज हो चुका है इसका मतलब हमारा डेंसिटी डिक्रीज हो गया है तो गर्म हवा की डेंसिटी घनत्व कम होता है ठंडी हवा से क्योंकि गर्म हवा में अगर एक वॉल्यूम की गर्म हवा लें और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में ठंडी हवा लें तो ठंडी हवा में ज्यादा पार्टिकल्स होंगे और गर्म हवा में कम पार्टिकल्स होंगे क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत तेज तेज मूव कर रहे हैं इधर 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 उधर 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 लेकिन यहां पर ठंडी हवा में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे एक क्लास में पचास बच्चे दूसरी क्लास में पचास बच्चे इस क्लास में ठंडा माहौल है इस क्लास में अपन ने गर्मी कर दी बच्चे बाहर बग गए सेम वॉल्यूम में दस बच्चे सेम वॉल्यूम में पचास बच्चे ये ठंडी हवा है गर्म हवा तो इस वजह से अगर आप देखें तो आपकी ठंडी हवा ऊपर को जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा जिसका घनत्व ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठेगी जिसकी कम होगी वो ऊपर जाएगी तो गर्म हवा मेरे दोस्तों यहां पे हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर चली जाती है अब वो जैसे ही ऊपर जाती है तो ये हवा आपकी ठंडी बनती जाती है पहला आप ये समझिए अब ये यह जैसे यहां से गई तो यहां से जो कोल्ड एयर है जो पहले यहां पे ठंडी हवा ये बेसिकली अंदर आ जाएगी उस एयर को कंपेंसेट करने के लिए वो जो जगह खाली हुई है उस फ्लेम के पास में तो यहां पे ठंडी हवा आ जाएगी ये हवा गर्म बनेगी और फिर ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी इस प्रकार आपका ये साइक्लिक प्रोसेस दोनों तरफ चलता रहेगा ठीक है तो यहां पर आपकी ये जो हवा है यह बेसिकली हॉट एयर है इसके आसपास में गर्म हवा होगी डेंसिटी कम है ऊपर जाएगी ठंडी होगी इधर जो ठंडी हवा है वो अंदर की तरफ आएगी तो एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस बनता रहेगा ऐसा साइक्लिक प्रोसेस बनता रहेगा ऐसा साइक्लिक प्रोसेस बनता रहेगा इस वजह से इसका जो शेप है वो कुछ इस प्रकार बनेगा ऐसा साइक्लिक प्रोसेस की वजह से इसका शेप जो है कुछ इस प्रकार बनेगा समझा पा रहा हूं समझा पा रहा हूं क्या आपको ये बात समझा पा रहा हूं इसको कन्वेक्शन करंट्स भी कहते हैं ये कन्वेक्शन करंट्स भी कहलाता है इस कन्वेक्शन करंट की वजह से मेरे दोस्तों यहां पे जो आपकी हवा है है ना ये 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 हवा इस तरीके से कन्वेक्शन करंट चलाती है इसलिए ऐसा एक शेप बन जाता है ये फ्लेम का शेप इस प्रकार आता है आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है आई होप मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को मेरे दिल के सच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूं किसी को कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आ रही है आई होप किसी को कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आ रही है किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं आ रही है समझ में आ गई बात क्लियर हो गई बात आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है मजा आ रहा है क्या हां जी भैया मजा आ रहा है मजा आ रहा मजा आ रहा मजा आ रहा मजा आ रहा ओपी 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 समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं आ रही है समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात आगे चलते दोस्तों चलो तो डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज मोर देन दैट ऑफ हॉट एयर ये तो बता दिया इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इसकी कम होगी ये ऊपर की तरफ जाएगी फिर ठंडी हो जाएगी इधर से ठंडी हवा अंदर आ जाएगी ये ठंडी हवा फिर से नीचे आ रही है फिर यहां से गर्म होगी ऊपर जाएगी ठंडी होगी ठंडी हवा नीचे आएगी फिर इस तरीके से एक साइकिल प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा जिसमें गर्म और ठंडी होती रहेगी और इस तरीके से इसका एक शेप बनता रहेगा अब आगे चलते हैं और अब कैंडल के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसके जोन के बारे में इसका कहीं डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है लेकिन सुनील भैया इसका आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ये मेरी गारंटी है शायद इसका एक्सप्लेनेशन 15 से 20 मिनट जाए लेकिन आपको मजा आ जाएगा इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा ध्यान से देखना कंसेप्ट बाय कंसे चलूंगा पहला कंसेप्ट पकड़ूंगा यहां पे इस चीज का क्या है अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है पहली चीज कैंडल जो होती है वो किससे बनती है वो बनती है पैराफिन वैक्स से जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये पैराफिन वैक्स से बनती है और ये एक्चुअली में है क्या ये एक्चुअली में एक हाइड्रोकार्बन है क्या है बेटा एक हाइड्रोकार्बन है मैं बताऊंगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है हाइड्रोकार्बन का सरल अर्थ क्या है बेटा हाइड्रोकार्बन का सरल अर्थ है यानी ऐसी चीज जो आपके हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलके बनी हो ऐसी चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं पहली सरल सी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको यह सुननी है कि ये जो कैंडल है ये कैंडल जो है ये किससे बनी होती है पैराफिन वैक्स से बनी होती है जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और ये पैराफिन वैक्स जो है बेटा एक हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके मेरे प्यारे बच्चों यहां पे बना हुआ है बहुत बढ़िया भैया बहुत बहुत बढ़िया मजा आ गया कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है बहुत बढ़िया भैया अच्छा दूसरी बात इसको भी ध्यान से समझिएगा बहुत मजा आएगा आपको यहां पे ये वैक्स जो है ये ऊपर जाती कैसे है अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती कैसे ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए बेटा ये मान लीजिए आपकी यहां पे ध्यान से देखिए ये मान लीजिए यहां पे आपकी कैंडल है ठीक है ये वाला जो पार्ट है आपका इसको बेसिकली बोलते हैं क्या इसको बेसिकली बोलते हैं विक क्या बोलते हैं नाम को देखिए इसको पहले बोलते हैं विक क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं विक बहुत बढ़िया अब इसके अंदर क्या होता है पहले से ही थोड़ा सा आपका वैक्स डलावा होता है तो जैसे ही आप इसको जलाते हैं इसमें थोड़ा वैक्स डला हुआ होता है इस विक पे वैक्स डला हुआ होता है जैसे ही आप इसको जलाते हैं तो इसके अंदर जो आपका पैराफिन वैक्स है वो सॉलिड स्टेट में है आपने जैसे ही इसको जलाने के लिए हीट दी तो ये वैक्स आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है और फर्दर यही वैक्स आपका वेपर बनता है और ये जल जाता है तो ये है बहुत ही लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत इंस्टेंटली होता है ठीक है फर्दर ये वैक्स आपका वेपर्स में कन्वर्ट होता है और वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद ये ऐसे लपटे निकालता है और लपटे निकालने के बाद वो शेप क्यों आता है वो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो एक बहुत ही फास्ट केमिस्ट्री यहां पे रन करती है आपने एक्सटर्नल सोर्स को हीट दिया वेक्स सॉलिड स्टेट से फटाफट से लिक्विड स्टेट में आता है लिक्विड से फटाफट से गैसियस यानी वेपर स्टेट में आता है और यह फटाफट से बर्निंग शो करता है क्या करता है कैसे करता है मैं आपको अभी पूरी बात समझाऊंगा ठीक है ठीक है भैया यहां पे तो वैक्स था जो आपका जल गया लेकिन नीचे से वैक्स ऊपर कैसे आया ये समझाओ हमको ये नहीं पता कि यहां से ऊपर कैसे आया इसमें तो फिजिक्स भी लगती है कैसे देखो भैया यहां पे वैक्स वैक्स था मान लिया जो वैक्स आपका विक पे लगा हुआ था इस पे जल गया, जल गया मान लिया कोई दिक्कत नहीं जल गया तो नीचे से ऊपर कैसे आया ये वाला जो वैक्स है ये कैसे जल रहा है फिर ये कैसे जल रहा है आओ इसके बारे में तुमको डिटेल और डेप्थ में समझाते हैं इसको थोड़ा सा जूम करते हैं इसको थोड़ा जूम करते हैं तो यह मान लीजिए आपकी विक कुछ इस प्रकार की है बहुत पतले पतले इसके अंदर से पाथवेज हैं, है ना और यहां पे जैसे ही आपने इसको हीट किया तो ये कुछ वैक्स जो है यहां पे मेल्ट करने लग जाती है बिकॉज ये जलेगा तो आसपास में हीट एनर्जी की वजह से कुछ मेल्ट करेगी हाँ अरे मेल्ट तो करेगी ऊपर कैसे चढ़ेगी ऊपर क्यों चढ़ी सुनील भैया आप वो मेन बात पे आओ ये वैक्स अगर मेल्ट करी ऊपर कैसे चढ़ी अगर आपने बोला कि ये मोल्टन वैक्स है तो मोल्टन वैक्स ऊपर कैसे चढ़ी आप काम की बात बताओ काम की बात बताओ काम की बात बताओगे तभी मजा आएगा ये वैक्स ऊपर कैसे गई ऊपर कैसे गई देखिए ये उसी प्रोसेस से गई जिस प्रोसेस से रूट से पानी ऊपर जाता है ग्रेविटी के अपोजिट आपका पानी जाता है ना प्लांट्स की रूट से पानी ऊपर कैसे जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है ऊपर जा रहा है कैपिलरी एक्शन कहते हैं इसको ये ऊपर चला जाता है वैक्स आपका ये एक्शन का नाम क्या है ये बेसिकली क्या कहलाता है इस एक्शन को हम कहते हैं कैपेलरी एक्शन मैंने आपको पहले ही कह रहा हूं आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको डिटेल में मैकेनिज्म समझ में आएगा आपको दूसरी बार कहीं पे इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन ठीक है कैपिलरी एक्शन क्या बोलते हैं बेटा कैपिलरी एक्शन बोलते हैं तो क्या मैं आपको एक बेसिक सरल सी बात समझा पा रहा हूं कि जो विक है इसके आसपास की वैक्स जैसे ही मेल्ट करेगी तो ये बेसिकली कैपेलरी एक्शन से ऊपर जाएगी कैपेलरी एक्शन क्या होता है आपका कैपेलरी एक्शन होता है फ्लूइड यानी गैस या लिक्विड मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रू थिन पाइप्स या स्पेसिस थिन स्पेसिस या थिन पाइप्स में जो फ्लूइड है अगेंस्ट द ग्रेविटी आपका फ्लो करता है ये बहुत पतले पाथवेज है इसीलिए जो है यहां पे कुछ कंसर्ट आपका है एंड फोर्सेस का लेकिन अभी उस डिस्कशन नहीं करेंगे उस वजह से ये बेसिकली आपका अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है आई होप आपको ये यह बात यहां पे समझ में आई तो अब मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं जो दिल के सच्चे हैं वो समझ पा रहे हैं कि सुनील भैया ऐसे ये वैक्स आपकी ऊपर की तरफ जाती जाती है क्योंकि आसपास में इसके जैसी आपने यहां पे आग लगाई मान लो माचिस की तीली मैंने लगाई तो जो यहां पे वैक्स थी वो सॉलिड से लिक्विड बनी लिक्विड से वेपर बनी और यहां पे एक लपटे बना दी उसने उन, उन लपटों से क्या होगा इधर वाली वैक्स मेल्ट करेगी और ये ऊपर आएगी फिर वो फर्दर आपकी वेपर में कन्वर्ट होगी प्रोसेस चलता रहेगा 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 अब उस प्रोसेस को हमें डिकोड करना है उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ जोन बनते हैं कैसे चलता है आइए इसको समझते हैं सबसे पहले आपसे डिस्कशन करूंगा सबसे बाहर वाली जोन के बारे में जोन नंबर तीसरी जो यहां पर यहां पे बना रहा हूं बहुत कम नजर आती है ये वाली जोन इसके बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा ये वाली ये वाली जोन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा हाईलाइट कर रहा हूं आइए तीसरी चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं ठीक है अब देखिए यहां पे क्या होता है बहुत ध्यान से देखना बहुत धीरे धीरे बताऊंगा लेकिन मजा आ जाएगा इस जोन को ये जो, जो जोन है इसको कहा जाता है जोन ऑफ ध्यान से देखना मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों इसको कहते हैं जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन क्या बोलते हैं मेरे प्यारे छोटे बच्चों इसको बोलते हैं जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ये सबसे मोस्ट जोन है बेटा कौन सी जोन है सबसे आउटर मोस्ट जोन है सबसे आउटर मोस्ट जोन है सबसे बाहर वाली जोन आपकी यह है मोस्ट जोन जोन ऑफ कंप्लीट कंबस बहुत बढ़िया अब यहां पे होता क्या है बहुत ध्यान से सुनना आपका वैक्स किससे बना हुआ है आपका वैक्स बना हुआ है हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है इसको एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जैसे ही मिल जाएगा बेटा तो ये क्या बनाएगा देखो हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन और कार्बन तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा वाटर वेपर क्या बनाएगा वाटर वेपर बनाएगा ना भाई इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा मान लीजिए ये हाइड्रो तो ये बेसिकली वाटर वेपर बनाएगा ना H2O ऑक्सीजन से इंट्रैक्ट करके एच टू ओ बना देगा हा जी भैया और बेटा और और कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा साथ में निकलेगी हीट और साथ में निकलेगी आपकी लाइट एनर्जी ध्यान से देखना <coughs> अब इसको मैं देखता हूं ये कार्बन तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ये बेसिकली होगा सीओ टू ध्यान से बस अभी सुनना ये नई चीज है वैक्स जो है सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से बेसिकली वेपर बन रही है तो इसका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वॉटर वेपर बनाएगा और कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा साथ में हीट और साथ में लाइट निकलेगी आपको दो तरीके से यहां पे दिख रही होगी देखिए यहां पे आपको देखिए अगर दिख रहा है तो ये नीला 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 नीला, नीला यहां पे है और ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल फेंट होता है तो इसके अंदर इस जोन थ्री के अंदर आपको दो पार्ट दिखेंगे एट बॉटम सबसे नीचे आपको क्या दिखाई देगा नीले कलर की एक फ्लेम नजर आएगी एंड टॉप पार्ट इज नॉट विजिबल इसको बेसिकली इस रीजन को कहा जाता है क्या इसको कहते हैं वेल क्या कहते हैं वेल ये जो ऊपर वाला नॉन विजिबल पार्ट है जिसे कोई कलर नजर नहीं आता इसको कहते हैं वेल वी ई आई एल तो ये आउटरमो जोन में नीचे होता है नीला और ऊपर कुछ नहीं दिखता है इसे कहते हैं वीई आई एल वेल क्या बोलते हैं वेल अब यहां पे कंप्लीट कंबस क्यों हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है यहां पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ या बेसिकली गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है इस वजह से आपका यहां पर क्या हो रहा है कंप्लीट कंबसन हो रहा है पूरी तरीके से हाइड्रोजन वाटर वेबर बन रहा है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में है तो यहां पे पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हो जा रहा है आई होप आपको यह समझ में आ रहा है यह तीसरी जोन जो आउटरमो जोन है इसके दो पार्ट है नीचे नीला वाला और ऊपर इनविजिबल होता है हल्का सा उसको कहते हैं वेल वीई आई एल वेल ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया क्या मैं क्लियर करवा पा रहा हूं क्या मैं क्लियर करवा पा रहा हूं आइए अगली जोन के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों जो यहां पे सबसे ज्यादा एविडेंट जोन है यह है जोन नंबर चौथी जोन नंबर चौथी फोर्थ जोन और यह आपकी काली काली जो है इसको बोलेंगे जोन नंबर फिफ्थ दैट इज इस, इसको बोलते हैं जोन ऑफ नो कंबशन मैं बताऊंगा इसके बारे में अभी डिटेल में इसको डार्क जोन भी कहते हैं क्या बोलते हैं बेटा डार्क जोन भी कहते हैं और इस वाली को जोन ऑफ जोन ऑफ इनकम्प्लीट और पार्शल कंबेशन हम लोग कहते हैं अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप बोलेंगे कि सुनील भैया यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें आपका जोन ऑफ इनकंप्लीट या पार्शल कंबेशन है या इसको बेसिकली मिडल जोन भी कहते हैं मिडल जोन यानी जो बीच में है और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं इनर मोस्ट जोन सबसे आउटर मोस्ट जोन देन मिडल जोन एंड देन सबसे इनर मोस्ट जोन ये वाली आपके पास अवेलेबल है ठीक है अब देखिए यहां पे इनकम्प्लीट और पार्शल कंबेशन की बात क्यों आ रही है कि पूरी तरीके से कंबेशन नहीं हो पा रहा है ये बात क्यों आ रही है इसको थोड़ा सा डी करते हैं इस बात को थोड़ा सा समझते हैं आ जाइए बेटा यहां पे ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पे पूरी तरीके से कंबर्शन नहीं हो पा रहा यहां पे ऐसा क्या हो रहा है यहां क्या होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम ये कैंडल फ्लेम का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस प्रकार बन जाता है कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती बाहर तो ऑक्सीजन है लेकिन बीच में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती लैक ऑफ ऑक्सीजन आने लगता है क्या आने लगता है लैक ऑफ ऑक्सीजन आने लगता है क्या लगता है? Lack of आने लगता है लैक ऑफ ऑक्सीजन आने लगता है लैक ऑफ ऑक्सीजन आने लगता है ठीक है समझ में आ गई बात क्या मैं आपको ये बेसिक सी बात क्लियर करवा पा रहा हूं कि इसके स्ट्रक्चर की वजह से दोस्तों बीच में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बेटा और वो कमी की वजह से दो चीजें होती हैं यहां पे उस कमी की वजह से आपका कार्बन पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो क्या होता है इसके दो केस बनेंगे पहला केस आपका हाइड्रोकार्बन है बेटा ध्यान से सुनना बहुत डिटेल में सुनना इसको ऑक्सीजन थोड़ा सा कम मिला तो आपका यह तो बेसिकली वाटर वेपर बन गया लेकिन कार्बन क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा क्या बन जाएगा डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा आप समझ रहे हैं पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है पहला केस फर्दर लैक ऑफ ऑक्सीजन इवन लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर इससे भी ज्यादा कम ऑक्सीजन होगा अंदर होता ही है ऑब्वियसली होता है और अंदर अगर मैं चला गया तो और अंदर अगर गया तो हाइड्रोकार्बन प्लस और कम ऑक्सीजन है तो यहां पे वाटर वेपर बनेगा और साथ में कार्बन जलेगा ही नहीं इसको बोलेंगे अनबंट कार्बन यानी जो जला ही नहीं क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिली ही नहीं तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा अनबंट कार्बन ये आपको यहां पे जानना पड़ेगा अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलेगी कार्बन को तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड और कम मिलेगी तो जलेगा ही नहीं अनबंट कार्बन जो जला ही नहीं वो कार्बन बन जाएगा बहुत बढ़िया अब अनबंट कार्बन के साथ क्या सीन है वो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है अनबंट कार्बन का कंसेप्ट अनबंट कार्बन जो होता है ये बेसिकली बिकम्स हॉट बिकम्स हॉट ड्यू टू कंबर्शन ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन जो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं ऐसा तो नहीं है कि कोई और हाइड्रोजन और कार्बन नहीं जल रहा दूसरे तो जल रहे हैं तो उससे जो बेसिकली हीट निकल रही है यहां पे हीट निकलेगी ना यहां पे फर्दर हीट और लाइट एनर्जी निकलेगी मैं लिख देता हूं कॉमन में ही लिख देता हूं कि यहां पे हीट और लाइट एनर्जी निकलेगी अब इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं प्लस हीट प्लस लाइट ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कोई भी नहीं जलेगा है ना जिनका बाहर वाली जोन में कंप्लीट कंबेशन हो रहा है वो हीट निकालेंगे है ना यहां वाले भी हीट और लाइट एनर्जी निकालेंगे यहां पर भी हीट और लाइट एनर्जी निकलेगी तो ये जो हीट और लाइट एनर्जी निकल रही है इस वजह से अनबंट कार्बन जो है इट बिकम्स हॉट ड्यू टू द कंबस ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन ड्यू टू अदर हाइड्रोकार्बन ये तो गर्म होगा अब ये गर्म होगा तो ये ग्लो करेगा गर्म चीजें ग्लो करती है साइंस का कौन सा फिनोमिना लगता है बताइए इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं आप बात समझ पा रहे हैं ये अनबंट कार्बन गर्म तो होगा ना दूसरे तो जल रहे उसके हीट से गर्म हो जाएगा अब गर्म होगा तो क्या होगा ये ग्लो करेगा गर्म चीजें जैसे आपका सोडियम का बल्ब होता है जितना ज़्यादा गर्म होता जाएगा उतना ज्यादा जलता जाएगा इन तो ये गर्म होगा ग्लो करेगा और ये आपकी जो येलो फ्लेम है ना इसकी वजह से है गिव्स गिव्स येलो कलर गिव्स येलो कलर टू फ्लेम एंड एज इसको बोलते हैं सूट सूट की तरह बाहर निकल जाएगा इसको बोलते हैं बेसिकली ये येलो कलर प्रोवाइड करेगा और इट विल लीव एज सूट ठीक है अगर आप देखेंगे तो ये जो पीला कलर आ रहा है यहां पे ये यह बेसिकली अनबंट कार्बन पार्टिकल्स की वजह से आ रहा है और आप मोमबत्ती के ऊपर आज हाथ रखना है प्लेट रखना आपका हाथ या प्लेट काली पड़ जाएगी वो इस चीज का क्लियर कट प्रूफ है कि वो आपका सूट है आज जाके आप अपने हाथ को रखिएगा थोड़ा सा ऊपर या प्लेट रखिएगा प्लेट काली पड़ जाएगी ये बिल्कुल क्लियर एविडेंस है कि यहां पे सूट का फॉर्मेशन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों आई होप मैं आपको यहां पे चीज अच्छे से समझा पा रहा हूं समझ रहे हो क्लियर हो रही है बात अब बीच में अगर आप जाओगे तो जोन ऑफ नो कंबन है यहां पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन की यहां पे नहीं है जोन ऑफ नो कम्बेशन जिसको डार्क जोन या इनरमोस्ट जोन कहते हैं यहां पे तो फर्दर ऑक्सीजन की बिल्कुल बहुत ज्यादा कमी है इसीलिए आपका विक भी बिल्कुल क्या पड़ जाता है काला पड़ जाता है ठीक है तो इसे कहते हैं जोन ऑफ नो कम्बेशन डार्क जोन या इनरमोस्ट जोन जिसे हम कहते हैं ठीक है ठीके? तो जितना अंदर जाते जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है बाहर प्रॉपर कंबेशन हो रहा है थोड़ा अंदर आए तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी उससे और अंदर आ गए तो अनबंट कार्बन निकलेगा इस प्रकार से आपका यहां पर ये डिफरेंट ज़ोन्स बनती है क्लियर करवा पा रहा हूं क्या वाई फ्लेम ऑलवेज पॉइंट अपवर्ड्स अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया आप लोगों को ये थोड़ी देर पहले दस मिनट पहले ही मैंने समझाया ना बेटा जिन्होंने शायद लेक्चर पूरा नहीं देखा है मैं फिर से कह रहा हूं पूरा देखना कुछ भी मिस नहीं किया हमने सिर्फ हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ मैथ्सटिक अभी मैं इस क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा और उस क्लास के लिए मैं एक एनिमेटेड वीडियो फंडू वाला अपलोड करवाऊंगा वो मैं चाहता हूं आप देखें हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ मैथ्सटिक फंडू का वीडियो यहां पे अपलोड होगा प्लीज उससे जाके देख लीजिएगा ठीक है चलिए अब पे पे कुछ देख देख लेते लेते हैं हैं यानी कितनी light produce हो रही है इस बेसिस पे types of flame को देख लेते हैं। पहले इसको चालू करने से पहले एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लगाना कि यहां तक की बातें समझ में आ रही है भैया एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लगा देना फटाफट से आए भैया के आगे हार्ट लगा देना जल्दी से फटाफट से आए भैया के आगे बहुत सारा प्यार लगा देना जल्दी से अपना आए भैया के आगे बहुत सारा प्यार लगा देना जो बच्चे अभी आए हैं फायर ट्राइंगल कह रहे हैं बेटा फायर टेट्राइड्रन पढ़ा चुका हूं मैं आप प्लीज जाके वीडियो को देखना आप शायद अभी आए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा फायर ट्राइंगल नहीं अपन ने फायर टेट्राइड्रन पढ़ा दिया है ठीक है बेटा ठीक है चलिए फटाफट से एक बार आए भैया लिख देंगे जल्दी से सारे के सारे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चे है ना बेटा इन सारी चीज़ों को अपन बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं बिकॉज मैं चाहता हूं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिले आप लोग चीज़ों को रटे ना तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप जाके वीडियो को पूरा देखना आपके हर एक कंसेप्ट का जो आपकी मिसकनसेप्शन हो रहा है कि फ्लेम ऊपर क्यों जा रही है दे रखा है फायर उसके टाइप्स फायर ट्राइंगल सब चीज़ों का आंसर इस हमारी वीडियो में है इस कंटेंट में है ज़रूर से जाके देखना आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट ऑफ लाइट कितना बनेगा उस बेसिस पे क्या क्या टाइप्स ऑफ फ्लेम होंगी आइए करते हैं उसकी चर्चा ठीक है अब ध्यान से देखिए इस चीज को यहां पे है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड यानी कितनी लाइट प्रोड्यूस होगी इस बेसिस पे हम चर्चा करते हैं अब इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी माता श्री से एक बार बात करें इस क्लास के बाद अगर अभी वो किचन में हो तो एक बार किचन में आप जाएं और मम्मी को बोले मम्मी किचन की सारी लाइट्स आप बंद कर दो और फिर मम्मी को बोले कि मम्मी आप गैस को लेकर जलाओ तो आपको ग्लैस गैस के अंदर कुछ इस प्रकार की नीले कलर की फ्लेम दिखेगी और आप चारों तरफ किचन में देखना कि कितनी रोशनी होती है ठीक फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग माताश्री को बोलना कि उसी किचन में मोमबत्ती को जलाए और फिर आप मोमबत्ती की रोशनी से देखना कि रूम कितना चमचमा गया तो आपको एक अंतर नजर आएगा कि मोमबत्ती पूरे रूम में रोशनी कर रही है किचन में लेकिन यह गैस की रोशनी नहीं कर रही है तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा अभी इनकम्प्लीट या पार्शल कंबेशन के बारे में पढ़ा तो इसमें जो फ्लेम ऑफ कलर आता है वो बेसिकली कैसा होता है येलो कलर की फ्लेम होती है किसकी वजह से होती है हॉट अनबंट कार्बन पार्टिकल्स की वजह से होती है दीज हॉट अनबंट कार्बन पार्टिकल्स ये इसको येलो कलर देते हैं है ना कौन देता है येलो कलर दीज हॉट अनबंट कार्बन पार्टिकल्स इंपार्ट येलो कलर टू द फ्लेम एंड देन दीज पार्टिकल्स लीव एज सूट ये इसको एक येलो कलर प्रोवाइड करते हैं जो पार्टिकल जल नहीं पाते ऑक्सीजन की कमी है पूरी तरीके से नहीं जल पाएंगे तो ये क्या करेंगे ये बेसिकली आपके गर्म तो हो चुके हैं इनकेमिना की वजह से येलो कलर देंगे और सूट की तरह निकल जाएंगे और इस तरीके की फ्लेम को हम लुमिनस कहते हैं तो लुमिनस नॉन लुमिनस क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं तो जो पीले कलर की फ्लेम है इट प्रोड्यूसिस लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इसे लुमिनस फ्लेम कहा जाता है और जो ब्लू फ्लेम है ये डज नॉट प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ लाइट इतनी लाइट नहीं प्रोड्यूस करती है इसे नॉन लुमिनस लाइट कहते हैं ठीक है समझ में आ गई बात अब यहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो इस वजह से नीले कलर की फ्लेम है ये नॉन लुमिनस है एंड डज नॉट प्रोड्यूस आपके अनबंट कार्बन पार्टिकल्स ठीक है तो लुमिनस और नॉन लुमिनस आई होप आपको समझ में आ चुका है कि इनकंप्लीट कंबस्टन होगा पीले कलर की फ्लेम आएगी लुमिनस फ्लेम कहेंगे कंप्लीट कंबस्टन होगा ब्लू कलर की फ्लेम आएगी नॉन लुमिनस कहेंगे ये लुमिनस का मतलब बेसिकली क्या है कि हॉट अनबंट कार्बन पार्टिकल्स गर्म है इनकंडीज की वजह से येलो कलर इंपार्ट करेंगे एंड दे विल लीव विलीव सूट एंड इट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इट डज नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब देखते हैं लास्ट सेकेंड टॉपिक कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल ये एक तरीके से किस तरीके का पैरामीटर है ये फ्यूल एफिशिएंसी को मेजर करने का पैरामीटर है फ्यूल एफिशिएंसी को टू मेजर अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी को मेजर करना है तो इट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स टू मेजर द फ्यूल एफिशियंसी फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या है यानी ये कितना एफिशिएंट है मतलब अगर इसको जलाएंगे तो ये कितना काम करवाने की टेंडेंसी रखता है इसको बेसिकली हम लोग कहेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है मान लीजिए इसने बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकाली तो अपन ज्यादा काम करवा सकते हैं कम हीट एनर्जी निकाली तो कम काम करवा सकते हैं तो सेम अमाउंट में अगर अपन डिफरेंट फ्यूल्स को लें वो कितनी एनर्जी निकालेंगे हीट एनर्जी और फिर हम उसे कितना काम करवा सकते हैं ये फ्यूल एफिशिएंसी कहलाता है जिसको मेजर करने का एक तरीका है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल ठीक है तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज ऑन बर्निंग वन किलोग्राम ऑफ फ्यूल एक किलोग्राम आप डिफरेंट फ्यूल्स का ले लो अब जो ज्यादा फ्यूल में हीट एनर्जी निकालेगा मतलब एक किलोग्राम में ज्यादा हीट एनर्जी निकालेगा ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल है जो कम निकालेगा वो बेसिकली क्या करेगा वो कम काम करवा पाएगा इसको बेसिकली हम हीट ऑफ कंबशन भी कहते हैं क्या कहते हैं हीट ऑफ कंबशन एक और इंपॉर्टेंट बात एनर्जी की यूनिट क्या होती है हीट एनर्जी तो टाइप ऑफ एनर्जी है एनर्जी की यूनिट होती है जूल क्या होती है एनर्जी की यूनिट एनर्जी की यूनिट होती है जूल आपका जूल का जे छोटा होना चाहिए और ये सिंबल बड़ा होना चाहिए तो इट विल बी लाइक दिस है ना? बहुत बढ़िया अब देखिए यहां पे लिखा है किलो जूल्स पर किलोग्राम ठीक है ना तो किलो जूल्स क्या है वन किलो इज इक्वल टू तो टेन की पावर थ्री ठीक है ना तो वैल्यूज को थोड़ा सा और छोटा करने के लिए, लिए लिख रहे हैं जब किलो में हम इसको मेजर कर रहे हैं तो देखिए आप यूनिट बना सकते हैं किलो जूल्स में है, तो पर किलोग्राम हो जाएगा ना पर किलोग्राम में कितना हीट एनर्जी निकल रहा है तो वैल्यू की यूनिट क्या हो जाएगी? किलो जूल्स पर किलोग्राम किलो जूल्स पर किलोग्राम एनर्जी की यूनिट होती है जूल और किलो का मतलब होता है टेन की पावर थ्री तो यहां को और छोटा करने के लिए हम इस किलो जूल का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है वरना इन वैल्यूज को अगर आपको नॉर्मल जूल्स में लिखना है तो आप मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर थ्री कर दो और लंबी हो जाएगी अब देखिए ये कुछ डिफरेंट वैल्यूज आपके पास है ठीक है बहुत बढ़िया तो देखिए यहां पे आपके पास काउडंग केक को अगर आप एक किलोग्राम काउडंग केक को आप जलाते हैं तो कुछ इस रेंज में निकलती है हीट एनर्जी लकड़ी को जलाएंगे तो सत्रह हज़ार से बाईस हज़ार कोल को जलाएंगे तो पच्चीस हजार से तैतीस हज़ार पेट्रोल में पैंतालीस हज़ार कैरोसिन में पैतालीस हजार डीजल में पैतालीस हजार मीथेन में पचपन पचास हज़ार सी में पचास हज़ार एलपीजी पचपन हज़ार बायोगैस पैंतीस हज़ार से चालीस हज़ार हाइड्रोजन डेढ़ लाख ये सबसे हाइएस्ट है प्लीज़ रिमेंबर द हाइस्ट वन दैट इज हाइड्रोजन डेढ़ लाख किलो जूल पर किलोग्राम मतलब एक किलोग्राम हाइड्रोजन जला दिया तो डेढ़ लाख किलो जूल की हीट एनर्जी निकालेगा सबसे ज्यादा काम कराने का दम रखता है हाइड्रोजन इसीलिए हाइड्रोजन को एज फ्यूल यूज करते हैं रॉकेट के अंदर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकालता है और बहुत भयंकर थ्रस्ट मिलता है रॉकेट ऊपर ठीक है अच्छा ये रेंज क्यों आ रही है ये रेंज आ रही है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ क्वालिटी ठीक है ना ये रेंज आ रही है बिकॉज ऑफ क्वालिटी अब जैसे कोल के टाइप्स आपने पढ़े होंगे है ना लिग्नाइट बिटोमिनस एंथ्रासाइट पीट इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल तो लिग्नाइट बिटोमिनस एंथ्राइट एंथ्राइट सबसे ज्यादा हीट निकालता है है ना तो इस प्रकार से क्वालिटी जैसे जैसे चेंज होती जाएगी आपकी रेंज जो है ज्यादा हीट एनर्जी निकलती जाएगी ठीक है बेटा क्लियर है बात चलो एक दो सवाल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उनसे मैं कुछ और चीजें भी करवाना चाहता हूं वो मैं फटाफट से करवा दूंगा जल्दी से आप इस सवाल को पढ़ेंगे और फिर हम इस चीज को करेंगे अच्छा सवाल को करने से पहले मैं आपको पहले आइडियल फ्यूल पढ़ाऊंगा क्योंकि सवाल आइडियल फ्यूल पे बेस्ड है है ना अब आइडियल क्या होता है आइडियल तो सिर्फ भगवान है सुनील भैया आइडियल सिर्फ भगवान है बाकी सारी चीजें तो प्रैक्टिकल है तो अगर मेरे दिमाग में एक सोच हो आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए अगर मैं चाहता हूं कि फ्यूल हो तो ऐसा हो वरना ना हो तो वो क्या होगा मेरी इमेजिनेशन में तो आइडियल फ्यूल का मतलब क्या होगा जो इकोनॉमिकल हो इकोनॉमिकल का मतलब होता है चीपर या बेसिकली जिसको हम कहें अफोर्डेबल हो सस्ता हो इसको बेसिकली कहते हैं इकोनॉमिकल मतलब फ्यूल हो तो सस्ता हो इकोनॉमिकल हो चीपर हो अफोर्डेबल हो दूसरा इजीली अवेलेबल हो ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत ना पड़े आसानी से मुझे हर जगह मिल जाए ये बेसिकली मेरा आइडियल फ्यूल होना चाहिए और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए भैया है ना बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकाले बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली हो बहुत कम इमीजेंस निकाले ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर जिनके बारे में हमने बात करी थी कार्बन इनके इमीजन्स को ना करता हो ठीक सो नो फ्यूल कैन बी आइडल सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि आपको ये सारी एक साथ मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है आपको अगर कोई इजीली मिल रहा होगा तो वो जरूरी इजीली मिल रहा है और हाई कैलोरिफिक वैल्यू तो जरूरी नहीं कि वो सस्ता हो है ना तो ये सारी एक साथ ही मिलेगा मान लीजिए आसानी से मिल रहा है एनवायरमेंटली फ्रेंडली है ठीक है जरूरी नहीं हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो तो इनको कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे आपको ज्यादा अच्छे से इसको समझ में आएगा ठीक है तो आइए इसके पास चलते हैं अब इस चीज के बारे में आपको जवाब करना है इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज फ्यूल बिकॉज लोग लकड़ी को एज फ्यूल यूज करते हैं ऐसा क्यों जल्दी से मुझे बताइए फटाफट से आंसर बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर अंदर जल्दी से फटाफट से जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से आंसर बी बी, बी 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 देखो अब देखो ध्यान से देखना इन विलेजेस पीपल यूज वुड एस फ्यूल बिकॉज लोग लकड़ी को एस फ्यूल यूज करते हैं क्यों क्या वो आइडियल फ्यूल है लकड़ी आइडियल फ्यूल कभी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट हाँ ये बहुत सस्ता है और आसानी से अवेलेबल है इसीलिए आप यूज कर सकते हैं लकड़ी आसानी से अवेलेबल है सस्ती पड़ती है लोग काट के लिए आते हैं क्या लकड़ी एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं भैया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर निकालती है एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है क्या लकड़ी आसानी से फायर कैच करती है <laughs> आप लकड़ी को आग लगाएंगे तो आपको पता आसानी से आग नहीं लगती लकड़ी के अंदर ठीक है ठीक है भैया अब देखिए आगे चलते हैं इस सवाल का जवाब करें चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अ गुड फ्यूल इज वन विच इज डैश चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट को चुनना है ठीक है एक अच्छा फ्यूल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एक अच्छा फ्यूल क्या होना चाहिए एक बढ़िया फ्यूल एक अच्छा फ्यूल आपके हिसाब से जो एक अच्छा फ्यूल होगा वो क्या होगा ठीक है वर्षा झा सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं बेटा बिल्कुल लेते हैं ठीक है चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो एक एक अच्छा फ्यूल क्या होगा इनमें से इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है ठीक है अब देखो एक अच्छा फ्यूल होगा जो रीडली अवेलेबल होगा यानी आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए ये तो अच्छी बात है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ईट जो बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो है ना भाई हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो ये तो अच्छी बात है ना तो तो नहीं कहता ये अच्छी बात है ना ये तो अच्छी बात है ना लीव बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटांसेस ये गलत चीज है मतलब कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर ये है कि हमें ऐसा सब्सटेंस थोड़ी चाहिए जो बहुत सारे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस छोड़े और हमारे एनवायरनमेंट को खराब करे नहीं बर्नस इजिली नीयर एट द मॉडरेट रेट यानी इसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो तो ये सारी चीजें तो सही है ये गलत था स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट आंसर इसका बेसिकली हो जाएगा सी ठीक है आगे चलते हैं अब ये तो आप पढ़ चुके हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज्ड ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इसको मैंने डिटेल में कहा कवर किया है डिटेल एंड इन डेप्थ आपको कंसेप्ट कहां मिलेगा इन पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर इस चैप्टर को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है अब आप वो जानते हैं मैं आपको बस एक छोटा सा रिकेप दूंगा ठीक है ना पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के अंदर मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है उसका वीडियो अवेलेबल है लिटिल चैम्प चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हैं तो बहुत छोटा सा आपको मैं बताऊंगा जैसे अनबंट कार्बन पार्टिकल्स अनबंट कार्बन पार्टिकल्स जो आपके लीव करते हैं ए सूट दैट लीव सूट, सूट के फॉर्मेट में निकलते हैं किससे बनते हैं इनकम्प्लीट कंबन या पार्शल कंबसन से बनते हैं ठीक है बहुत बढ़िया और इनसे होता क्या है इनसे अस्थमा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एजमा क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं एजमा ऐसे प्रोनास करते हैं इसको एज्मा तो एजमा हो जाता है अनबंट कार्बन पार्टिकल से और सुनील भैया कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मैंने बताया था निकलती है लास्ट आपके पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर में बताया था पॉइजनस गैस कैसे है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की बात करें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड कार्बन तो ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर मेजरली रिस्पॉन्सिबल एसिड रेन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए ये ऑक्साइड्स कुछ इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है सीओ टू एनओ टू टू एसिड रेन सीओ टू ग्रीन हाउस इफेक्ट काम खत्म अब ये नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इसका वीडियो अवेलेबल है प्लीज जाके देखिएगा इसमें ये डेप्थ में पढ़ा रखा है इन डेप्थ पढ़ा रखा है ठीक है ठीक है भैया तो <coughs> आगे चलते हैं फटाफट रैपिड फायर खेल लेते हैं दो सवाल खेलेंगे जल्दी जल्दी रैपिड फायर आप लोगों के साथ अब देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा ये सवाल है जल्दी से चालू करेंगे अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज टू द लार्ज स्केल फायर ड्यू टू मैग्नीशियम मेटल लार्ज स्केल फायर ड्यू टू मैग्नीशियम मेटल किसको यूज करेंगे किसको यूज करेंगे सैंड को यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे हाँ बेटा कल मैं ही पढ़ा रहा था कार्बन कार्बनड्रेट्स कंपाउंड्स जल्दी 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 फटाफट फटावट फटाफट देखिए मैंने आपको बताया था कि आप इसके लिए स्पेशल ड्राई पाउडर्स का इस्तेमाल करेंगे ये किस प्रकार की कैटेगरी की फायर है क्लास डी कैटेगरी की फायर है और इसके लिए यूज स्पेशल ड्राई पाउडर्स क्या यूज़ करेंगे आप यू हैव टू यूज़ स्पेशल ड्राई पाउडर्स ठीक है स्पेशल ड्राई पाउडर लाइक एनए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कुछ बच्चे बोलेंगे मिट्टी मिट्टी का इस्तेमाल आप तभी यूज कर सकते हैं जब ये बहुत ज्यादा हो तो ये मैंने यहां पे लिखा है लार्ज स्केल फायर तो बड़ी फायर में आप कहां से लेंगे इतनी सारी मिट्टी के आप झोंके तो ओनली यूज वैन इट्स अमाउंट एक्सीड्स टू मच दे मैग्नीशियम बहुत ज्यादा अगर आपका ये होगा तभी आप इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वरना नहीं 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 इनमें तो आग लगेगी भयंकर इसमें भी अगर इसकी अमाउंट कम है तो एक्सप्लोजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन चलती रहेगी वाटर के साथ हाइड्रोजन में आग लग जाएगी पढ़ा चुका हूं सो इसका करेक्ट आंसर है ये आइडेंटिफाई द जोन ऑफ द पार्शल कंबशन फ्रॉम द partial इमेज ऑफ पार्शल given इमेज जल्दी से बताना जल्दी से बताना जल्दी 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 एक्स वाई जी और नोटा नन ऑफ दी अबाव जल्दी मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई जी या बेसिकली नोटा नोटा होता है नन ऑफ दी अबाउ जल्दी 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 फटाफट 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 भाई लोग जल्दी से आंसर करेंगे अरे जोन ऑफ पार्शियल कंबस बताना है भाई पार्शियल कंबशन या फिर आपका इनकम्प्लीट कंबशन का जोन बताना है इनकम्प्लीट कंबशन वाला जोन कौन से कलर का होता है पीले कलर का होता है ये तो कौन सा हो जाएगा ये जोन ऑफ आउटर कंबशन है एक्स ये आपका जो पीला वाला है ये हो जाएगा जोन ऑफ पार्शियल कंबशन और ये हो जाएगा जोन ऑफ नो कंबशन काम खत्म ठीक है समझ में आ गई बात ठीक है भैया तो बेटा यहां पर अपने मेजरली जितनी चीजें हम कवर कर सकते थे वो सारी कवर की है इन डेप्थ इन डिटेल हर चीज एक्सपेरिमेंट के साथ भी जो जो हम कर सकते थे वो हमने कर लिया है अब आप लोगों का कर्तव्य है कि इस चैप्टर को अच्छे से जाके पढ़े और यहां के एनसीआर एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर के सवाल लगाएं ठीक है बेटा अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर से एक चीज जो एक छोटा पैराग्राफ है हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ मैस्टिक इससे रिलेटेड एक वीडियो एक एनिमेटेड वीडियो आने वाला है चैनल के ऊपर तो मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे उसको डिटेल में देखें आपके कंसेप्ट को एक भयंकर क्लैरिटी मिलने वाली है आपको मजा आने वाला है तो फिर किस बात की देरी है बच्चा लोग अच्छे से बने रहिए हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए किसी का दिल मत दुखाइए खेलने कूदने पर ज्यादा विश्वास रखिए बाहर जाके घर पे नहीं खेलना बाहर जाके खेलना है फोन से नहीं खेलना बाहर जाके खेलना है मस्ती करनी है मजाक भी करना है खेलना भी है डांस भी करना है एक्स्ट्रा करिकुलर में भी फोकस करना है तो बच्चा लोग करते हैं हमारे आज की क्लास को यहीं पर ही एंड अब मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए स्टे हेल्दी स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला जय हिंद जय भारत वंदे मातरम